हे गाइस, माहौल सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इनपुट टैक्स क्रेडिट आ रहा है आपके सामने, दिल थाम के बैठेगा शानदार तरीके से। सरकार इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी सेक्शन नंबर 16 से लेके सेक्शन नंबर 21 तक दिल थाम के। सर सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 1 ध्यान देना, सुपर फास्ट गाड़ी है ये, क्लियर। जब तक आपका 100% ध्यान इधर नहीं होगा टॉपिक आउट हो जाएगा। ओके सर, पूरा कॉन्सेंट्रेशन इधर बेटा। ओके सर, सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 1 कहता है क्या? सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 1 कि कौन क्रेडिट ले सकता है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन कैन क्लेम द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ जीएसटी पेड ऑन गुड्स और सर्विस और बोथ विच आर यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सब सेक्शन 2 बोलता है हाँ भाई हाँ, क्रेडिट मिलेगा पर ये चारों कंडीशन पूरी होगी उसके बाद मिलेगा। फर्स्ट, टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट और एनी द प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट जिसके बेस पे आप क्रेडिट ले रहे हो वो आपको रिसीव हो जाना चाहिए। सेकंड कंडीशन, गुड्स और सर्विस और बोथ जिसका आप क्रेडिट ले रहे हो वो आपको रिसीव हो जाना चाहिए। पर हाँ, यहाँ लिख दिया क्या, बिल टू शिप टू मॉडल अगर है। बिल टू शिप टू मतलब आपने बिल मेरे को लिखा और डायरेक्ट शिपिंग किसी थर्ड पर्सन को किया मेरे बिहाफ पर, तो जब उस थर्ड पर्सन को रिसीव हो जाएगा, मान लेंगे मेरे को रिसीव हो गया भले वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, क्लियर। बिल टू शिप टू मॉडल है, आपने मेरे बिहाफ पर सर्विस किसी थर्ड पर्सन को दी डायरेक्टली, तो जब उसको सर्विस रिसीव हो जाएगी या उसको गुड्स रिसीव हो जाएगा तब मान लेंगे मेरे को रिसीव हो गया और क्रेडिट मिल जाएगा साहब। थर्ड कंडीशन सर, सप्लायर मस्ट हैव पेड द टैक्स पर हाँ, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस कवर्ड इन सेक्शन नंबर 41, मतलब सप्लायर ने टैक्स पे कर दिया होना चाहिए पर आप चाहे तो एक बार प्रोविजनल क्रेडिट ले सकते हो और बाद में अगर उसने टैक्स पे नहीं किया होगा तो आपका क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। एंड सर फोर्थ कंडीशन, रिसीवर ने अपना रिटर्न फाइल कर दिया होना चाहिए, रेसिपिएंट मस्ट हैव फाइल्ड हिज रिटर्न 3B, क्लियर, तो क्रेडिट मिलेगा नहीं तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। अच्छा चारों को थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। फर्स्ट क्या है, टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट और एनी द प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट शुड बी रिसीव्ड। अब ध्यान देना बेटा, एनी द प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट डिफाइन किया है रूल नंबर 36 ने, बोला है कि टैक्स इनवॉइस सप्लायर ने इशू किया है। सेकंड, अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, रेसिपिएंट खुद लायबल है, खुद ने खुद पर टैक्स इनवॉइस इशू किया है तो वो इनवॉइस उसके पास होना चाहिए बेटा। थर्ड सर, अगर आपने सर सप्लायर ने क्या किया है, रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू किया है, रिवाइज टैक्स इनवॉइस किन किन डॉक्यूमेंट के बेस पे क्रेडिट मिलता है? थर्ड डॉक्यूमेंट क्या है, रिवाइज टैक्स इनवॉइस। रिवाइज टैक्स इनवॉइस का भी इशू होता है बेटा अगर रजिस्टर्ड नहीं था सप्लायर, सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं था पर वो लायबल टू रजिस्टर हुआ, फिर उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, 30 दिन का वक्त मिलता है बेटा उसको, तो जिस दिन वो लायबल टू रजिस्टर हुआ उसके 30 दिन के अंदर वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। पर सर जिस दिन वो लायबल टू रजिस्टर हुआ तब से टैक्स तो लगना चालू हो जाएगा बेटा, पर जब तक उसका रजिस्टर नंबर नहीं आएगा तब तक वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता, इसलिए वो नॉर्मली रेगुलर नॉर्मल बिल इशू करेगा और जैसे ही रजिस्टर नंबर आएगा उसका, उसके एक महीने के अंदर वो रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर देगा जिसमें टैक्स का अमाउंट लिखेगा और उस टैक्स का आपको क्रेडिट मिल जाएगा उस रिवाइज टैक्स इनवॉइस के बेस पे बेटा। देन सर, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ने जो इनवॉइस लिखा होगा टैक्स इनवॉइस आईएसडी इनवॉइस जिसके बेस जिस पर टैक्स लिखा होगा डिस्ट्रीब्यूशन वाला, उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है बेटा। देन अगर आपने कोई भी गुड्स इंपोर्ट किया, तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स पर आईजीएस लगता है बेटा, तो बिल ऑफ एंट्री पे असेसमेंट हुआ होगा या एनी अदर असेसमेंट डॉक्यूमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स, उन डॉक्यूमेंट के बेस पे आपको क्या मिलेगा, आईटीसी मिलेगा बेटा। ये हो गया क्या, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन अवेल द आईटीसी। और एक और डेबिट नोट कि सर अगर कभी भी वैल्यू प्लस हुआ या टैक्स का अमाउंट इंक्रीज हुआ तो सप्लायर ने डेबिट नोट इशू किया होगा, उस डेबिट नोट के बेस पे हमको आईटीसी मिल जाएगा। दिस आर द डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस जिसके बेस पे क्रेडिट मिलेगा। प्लस यहाँ रूल नंबर 36 ने लिख दिया क्या सर, टैक्स इनवॉइस या इन अदर डॉक्यूमेंट पे वो सारी इन्फॉर्मेशन जो रूल नंबर 46 ने बताई है वो सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होगी तो ही आपको आईटीसी मिलेगा, नहीं तो आईटीसी नहीं मिलेगा। पर प्रोवाइज एड करके बोल दिया क्या, कोई बात नहीं अगर सारी इन्फॉर्मेशन नहीं भी है पर एटलीस्ट ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या, सप्लायर और रेसिपिएंट का जीएसटी नंबर, देन डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ जो भी है सर, देन उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई, देन उसमें जो टैक्स चार्ज किया है टैक्स का अमाउंट, एंड अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो प्लेस ऑफ सप्लाई, एटलीस्ट ये इन्फॉर्मेशन भी है तो भी चल जाएगा, बाकी इन्फॉर्मेशन नहीं चल जाएगा सब आपको आईटीसी मिल जाएगा। देन सर रूल नंबर 36 सब रूल नंबर 4 बोलता है क्या, बच्चों ध्यान से सुनना ये बात खास बात है, कि अगर आपने आईटीसी लेना है तो आपको सर जीएसटी आर 2A में जो सप्लायर ने जीएसटी आर 1 सबमिट किया होगा, सप्लायर ने जीएसटी आर 1 सबमिट किया होगा आपके 2A में आ रहा होगा बेटा और 2A के बेस पे आप आईटीसी ले सकते हो। पर अगर कोई पर्टिकुलर सप्लाई इनवर्ट सप्लाई आपके जीएसटी आर 2A में नहीं आ रही है फिर भी आप उसका प्रोविजन बेस पर क्रेडिट ले सकते हो, बट नॉट मोर देन 20%, नॉट मोर देन 20% ऑफ द एलिजिबल आईटीसी। बेटा ध्यान रखना, जिनके नवंबर 20 एग्जाम्स आएंगे उनके लिए 10% हो गया है अमेंडमेंट बेटा। सर जिनके लिए जिनका एग्जाम जुलाई 2020 है उनके लिए 20% वाला पॉइंट एप्लीकेबल है और जिनके लिए नवंबर 20 एग्जाम्स उनके लिए 10%, क्लियर। तो सर एलिजिबल आईटीसी का 110% आप आईटीसी ले सकते हो अगर नवंबर 20 एग्जाम है तो, और जुलाई 20 अगर आपके एग्जाम्स है तो
एलिजिबल आईटीसी जो आपके पास है, जिसके इन्वेस्टर्स आपके टूए में आ गए हैं, क्लियर साहब, उसका आप 120% आईटीसी ले सकते हो बच्चों, अगर जुलाई 20 एग्जाम है तो बेटा। हाँ है ना बच्चों? ओके सर, ये हो गया एलिजिबल आईटीसी। अब सुनना बच्चों ध्यान से, सप्लायर मस्ट हैव पेड द टैक्स, पर आप चाहे तो प्रोविजनल बेस पर क्रेडिट ले सकते हो। एंड थर्ड क्या था, फोर्थ क्या थी बेटा, रेसिपिएंट मस्ट हैव फाइल द रिटर्न्स। ओके, सेक्शन में 16 सब सेक्शन 2, फिर एक प्रोविजो दिया बेटा। प्रोविजो बोलता है क्या, कभी भी गुड्स इंस्टॉलमेंट में या लॉट्स में आ रहे हैं तो जब लास्ट लॉट या लास्ट इंस्टॉलमेंट आएगा तब आपको आईटीसी मिलेगा, नहीं तो आईटीसी नहीं मिलेगा। सेकंड प्रोविजो दिल थाम के सुनेगा, सर रूल सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 2 सेकंड प्रोविजो रेड विद रूल नंबर 37 बोलता है क्या, चारों कंडीशन सेटिस्फाइड, आपने आईटीसी ले भी लिया, पर इफ द रेसिपिएंट फेल्स टू मेक पेमेंट टू द सप्लायर, इफ द रेसिपिएंट फेल्स टू मेक पेमेंट टू द सप्लायर विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, तो ऐसे केस में जितना पेमेंट वो फेल हो गया पे करने में उतना प्रोपोर्शनेट उसको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, वो भी अलोंग विथ इंटरेस्ट। आई रिपीट सर, इफ द रेसिपिएंट फेल्स टू मेक पेमेंट टू द सप्लायर विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, तो जितना अमाउंट वो फेल हुआ पे करने में उतने अमाउंट का प्रोपोर्शनेट उसको आईटीसी क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। आपने अगर सप्लायर का पैसा खा लिया, सप्लायर को पेमेंट नहीं किया, इफ यू फेल टू मेक पेमेंट टू द सप्लायर विद इन 180 डेज, तो जितना प्रोपोर्शन अमाउंट आपने पे नहीं किया उतना प्रोपोर्शन आईटीसी आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, वो भी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। पर हाँ, अगर फ्यूचर में आप कभी पे कर देते हो उसको वापस से, तो जितना अमाउंट आपने उसको पे किया उतना प्रोपोर्शन आपको आईटीसी में वापस अलाउ कर देंगे, और जब ये वापस से रीअवेल करते हो आप आईटीसी, यहाँ पे सेक्शन नंबर 16(4) का टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होता, भले 2 साल बाद आपने पे किया, 2 साल बाद आईटीसी लेना हमें कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ खास बात, ये प्रोविजन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो आपने इनवर्स अप्लाई ली उस पर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि आरसी में आपने इनवर्स अप्लाई ली, आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया, आपने क्रेडिट लिया, कोई दिक्कत नहीं, सप्लायर को पे किया है नहीं, क्या उसे फर्क नहीं पड़ता। ये था आपका सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 सेकंड प्रोविजो रेड विद रूल नंबर 37। सर सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 3 बोलता है क्या कि अगर आपने किसी कैपिटल गुड्स को परचेज किया, उस पे परचेज बिल पे जो जीएसटी पोर्शन था उसका भी अगर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया तो आप कुछ ना हो पाएगा, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। आप वैल्यू ऑफ असेट का डेप्रिसिएशन क्लेम करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जीएसटी पोर्शन का भी अगर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया तो हम उसका आईटीसी अलाउ नहीं करेंगे। सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 4 कि भाई अगर आप आईटीसी लेना भूल गए या आपने किसी वजह से आईटीसी नहीं लिया तो किसी पर्टिकुलर इनवॉइस या डेबिट नोट का आईटीसी आप कब तक ले पाएंगे, जिस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड वो इनवॉइस था उस इनवॉइस का या उस इनवॉइस से रिलेटेड डेबिट नोट का, वो फाइनेंशियल खत्म होने के बाद सितंबर मंथ की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर तक आप क्रेडिट ले पाएंगे, उसके बाद क्रेडिट ना हो पाएगा। क्लियर? केवल फर्स्ट ईयर जो 17-18 फाइनेंशियल ईयर था उसमें सिंस अवेलमेंट ऑफ आईटीसी में कई सारे इश्यू थे, फर्स्ट ईयर था इसलिए वहाँ पे 31 मार्च 2018 तक अलाउ किया था, 31 मार्च 2019 तक अलाउ किया था बेटा, उसमें सेप्टेम्बर मंथ की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर को एक्सटेंड करके 31 मार्च 2019 अलाउ कर दिया था केवल फर्स्ट ईयर में बेटा। अब वो पॉइंट अब रिलेवेंट नहीं बेटा। ओके, ये सेक्शन नंबर 16 खत्म होता है। अब क्लियर बच्चों माहौल? सर सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन 5 पहले हम पढ़ रहे हैं, ब्लॉक क्रेडिट। देखो सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 1 में बोल दिया क्या, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन कैन टेक द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ ऑल द गुड्स और सर्विस और बोथ विच आर यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। पर सर 17(5) बोलता है क्या, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 1 और 18 सबसेक्शन 1 फॉलोइंग के रेस्पेक्ट में कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्लॉज नंबर ए बोलते हैं मोटर व्हीकल विच आर डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी अप टू 13 persons इंक्लूडिंग ड्राइवर, इसका कभी क्रेडिट नहीं मिलेगा। बच्चों ध्यान रखना, ये मोटर व्हीकल डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी अप टू 13 persons, उनका क्रेडिट नहीं मिल रहा है। 13 से ज़्यादा वाला, 13 कैपेसिटी बोल रहा हूँ बेटा, अरे मारुति 820 जन बैठ गए, कैपेसिटी 4 की इसकी। क्लियर सर? हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी अप टू 13% उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा इंक्लूडिंग ड्राइवर बेटा। हाँ है ना सरकार? पर इससे एक्सेस, इससे बड़ा अगर व्हीकल जैसे बस वगैरह है तो क्रेडिट मिल जाएगा अगर बिजनेस के लिए काम आ रही तो बेटा। पर हाँ, अगर आपके पास ट्रक वगैरह खरीद लिया लोडिंग व्हीकल खरीदा उसका आईटीसी मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं बेटा। और पर हाँ, ये अप टू 13 सीटिंग कैपेसिटी वाले मोटर व्हीकल डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर, इनका भी आईटीसी मिल जाएगा अगर ये फॉलोइंग 3 सप्लाईज में काम आए तो, इफ दोज आर यूज इन मेकिंग फॉलोइंग 3 टैक्सेबल सप्लाईज, फर्स्ट एनी ऑफ दिस फॉलोइंग 3 टैक्सेबल सप्लाईज, फर्स्ट फॉर द सप्लाई ऑफ सच व्हीकल्स बेटा, आप व्हीकल ही बेचते हो या रेंट पे देते हो बेटा, तो आपने व्हीकल परचेस किया उसका आईटीसी मिल जाएगा। सेकंड, सच व्हीकल इज बीइंग यूज्ड इन प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स। एंड थर्ड, सच व्हीकल इज बीइंग यूज्ड इन प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग इन ड्राइविंग सच मोटर व्हीकल बेटा। हाँ है ना, कार चलाना सिखाते हो बेटा तो कार का क्रेडिट मिल जाएगा बच्चों। ओके सर, फिर क्लोज नंबर डबल ए बोलता है क्या, एयरक्राफ्ट और वेसल्स, इसका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा एक्सेप्ट इफ दोज आर यूज्ड इन मेकिंग फॉलोइंग 4 टैक्सेबल सप्लाईज, या फिर एक्सेप्ट सच वेसल या एयरक्राफ्ट इज यूज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स।
सर एयरक्राफ्ट या वेसल ट्रांसपोर्ट गुड्स में काम आया, क्रेडिट मिल जाएगा, और फॉलोइंग फोर टैक्सेबल सप्लाईज में काम आया, फॉलोइंग फोर में से किसी भी टैक्सेबल सप्लाई में काम आया तो क्रेडिट मिल जाएगा। फर्स्ट क्या है, सेम फर्दर सप्लाई ऑफ सच एयरक्राफ्ट या वेसल, सेकंड ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विस, थर्ड प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग ऑन नेविगेटिंग सच वेसल या प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग ऑन फ्लाइंग सच एयरक्राफ्ट, उसके लिए अगर आपने एयरक्राफ्ट या वेसल परचेज किया क्रेडिट मिल जाएगा, अदरवाइज क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्लोज नंबर ए भी बोलता है क्या, अरे ये मोटर व्हीकल वेसल या एयरक्राफ्ट जिसकी मैंने बात करी क्लोज नंबर ए और डबल ए में, उनका क्रेडिट अगर आपको मिल रहा है तो उसके रेस्पेक्ट में सर्विसिंग रिपेयर मेंटेनेंस सर्विस का क्रेडिट मिल जाएगा, जनरल इंश्योरेंस सर्विस का भी क्रेडिट मिल जाएगा। पर इनके अगर मोटर व्हीकल वैसे या एयरक्राफ्ट का क्रेडिट नहीं मिलता तो इनकी सर्विसिंग रिपेयर मेंटेनेंस सर्विस या जनरल इंश्योरेंस सर्विस का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। पर हाँ, इसके दो एक्सेप्शन बेटा, एक तो इंश्योरेंस कंपनी, अगर उस इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया है, किसी मोटर व्हीकल वैसे या एयरक्राफ्ट का इंश्योरेंस किया है तो उस इंश्योरेंस कंपनी ने अगर इनवर्स सप्लाई लिया कि उनसा री इंश्योरेंस का बेटा किसी और से या सर्विसिंग रिपेयर मेंटेनेंस सर्विस का, तो क्रेडिट मिल जाएगा। सेकंड एक्सेप्शन, मैन्युफैक्चरर ऑफ मोटर व्हीकल, मैन्युफैक्चरर ऑफ मोटर व्हीकल ने मैन्युफैक्चर किया मोटर व्हीकल और उसने उन व्हीकल का मेंटेनेंस सर्विसिंग का सर्विसेज लिया या फिर उन कार का इंश्योरेंस वगैरह कराया उसने उन मोटर व्हीकल वैसे एयरक्राफ्ट का, तो उसको आईटीसी मिल जाएगा, वरना आईटीसी किसी और को नहीं मिलेगा बेटा। हाँ है ना, क्लियर, डन। क्लोज नंबर बी, सुनना बच्चों ध्यान से, दिल थाम के, सर ये पर्सनल कंजम्पशन वाली सर्विसेज आ रही है, फूड एंड बेवरेजेस, बेवड़े क्या है सर, फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, हम पढ़ रहे क्या, क्रेडिट नहीं मिलता, इन फॉलोइंग का क्रेडिट नहीं मिलता, फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, सर ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी सर्विसेज, हायरिंग, सुनना ध्यान से, हायरिंग लीजिंग और रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल वेसल या एयरक्राफ्ट जिनका क्रेडिट नहीं मिलता बेटा, क्लियर, जिन मोटर व्हीकल वेसल या एयरक्राफ्ट का क्रेडिट नहीं मिलता उसको अगर हायरिंग भी लिया उसका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस इनका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा अगर आपने अपने एम्प्लॉइज के लिए लिया तो बेटा। पर अगर आपने ये सारे इनवर्ट सप्लाई, जो फूड बेवरेज वगैरह सब कुछ मैंने बोले, ये सब इनवर्ट सप्लाई लिया आपने टू प्रोवाइड द सेम कैटेगरी ऑफ आउटपुट सप्लाई, तो ऐसे केस में सेम कैटेगरी ऑफ इधर आउटपुट सप्लाई या फिर एज अ कंपोनेंट ऑफ मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई, तो ऐसे केस में आईटीसी मिल जाएगा, नहीं तो आईटीसी नहीं मिलेगा। सेकंड है मेंबरशिप ऑफ अ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, एंड थर्ड क्या, ट्रेवल बेनिफिट्स, ट्रेवल बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉइज ऑन वैकेशन, तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। पर हाँ, ये सारे पॉइंट जो मैंने क्लोज में भी आपको बताया बेटा, कौन कौन से, फूड एंड बेवरेज से लेकर ट्रेवल बेनिफिट एक्सटेंड टू एम्प्लॉइज, ये सारी सर्विसेज आपने परचेज करी है, क्यों, क्योंकि किसी लॉ ने ऑब्लिगेटरी किया था बेटा कि आपको ये सर्विसेज अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, तो ऐसे केस में आपको आईटीसी मिल जाएगा, नहीं तो आईटीसी नहीं मिलेगा। जैसे सर आपका माइनिंग का काम है, माइनिंग करते हो या आपकी फैक्ट्री केमिकल की, आपको किसी गवर्नमेंट के लॉ ने बोल दिया क्या आपको अपने एम्प्लॉयज का हेल्थ इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, और उस लॉ की वजह से हेल्थ इंश्योरेंस कराया तो आपको उस हेल्थ इंश्योरेंस का आईटीसी मिल जाएगा। जैसे कोविड-19 बेटा, अभी कोविड-19 आया बेटा, तो कई सारे मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इनफैक्ट कई सारी कंपनीज को बोल दिया कैटेगरी को कि आपको अपने एम्प्लॉयज का लाइफ इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। अब उस कंपनी ने अगर अपने एम्प्लॉय का लाइफ इंश्योरेंस करवाया तो सर उस लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पे जो जीएसटी पे किया उसका आईटीसी मिल जाएगा, क्योंकि लॉ ने ऑब्लिगेटरी किया, उसकी वजह से उसने वो इंश्योरेंस करवाया बेटा। क्लियर, डन। सर क्लोज में सी और डी, सुना बेटा ध्यान से, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सर्विस, दोनों को साथ में बोल रहा बेटा मैं, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस हो, कंस्ट्रक्शन सर्विस हो, या एनी गुड्स और एनी अदर सर्विस, भले आर्किटेक्ट हो गया, इंटीरियर डेकोरेटर हो गया, कोई भी गुड्स, सीमेंट, स्टील, कोई भी हो गया, ये सारे गुड्स, सारी सर्विसेज विच आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो सर इनका कभी भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट व्हेन सच गुड्स और सच सर्विसेज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन आर यूज्ड इन प्रोवाइडिंग फर्दर आउटवर्ड कंस्ट्रक्शन सर्विस और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, या फिर सच कंस्ट्रक्शन सर्विस और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस या एनी अदर गुड्स और सर्विस आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन और इंस्टॉलेशन इरेक्शन ऑफ प्लांट और मशीनरी बेटा, और प्लांट और मशीनरी में अगर काम आए तो क्रेडिट मिल जाएगा, अदरवाइज क्रेडिट नहीं मिलेगा। पर प्लांट और मशीनरी की डेफिनेशन से तीन चीजों को एक्सक्लूड किया है, लैंड, बिल्डिंग और अदर सिविल स्ट्रक्चर, टेलीकॉम टावर और पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस। एंड हाँ ध्यान रखना बेटा, सर कंस्ट्रक्शन में कोई भी गुड्स या सर्विस काम आया क्रेडिट नहीं मिलता, एंड द टर्म कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटलाइजेशन बेटा। अगर आपने रिपेयरिंग सर्विस ली है बेटा, क्लियर, आपने अपनी फैक्ट्री की बिल्डिंग का रिपेयरिंग कराया और रिपेयरिंग अगर आपने कैपिटलाइज करवाया तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। पर रिपेयरिंग अगर आपने रेवेन्यू नेचर का करवाया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर आप खर्चा जा रहा है तो उस रिपेयरिंग में जो भी सीमेंट काम आया, जो भी सर्विसेज काम आई, उसका क्रेडिट मिल जाएगा। क्लियर, पक्का। सर नेक्स्ट आता है क्या, अगर आपने कोई इनवर्ट सप्लाई लिया ऐसे किसी पर्सन से जिसने कंपोजिशन स्कीम लिया सेक्शन 10 का, तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। देन सर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन एनआरटीपी को कोई क्रेडिट नहीं मिलता है एक्सेप्ट IGST पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स इंपोर्टेड बाय हिम बेटा। हाँ है ना। देन आता है क्या, अगर आपने कोई भी गुड्स और सर्विस बहुत पर्सनल कंजम्पशन के लिए इंपोर्ट पर्सनल कंजम्पशन के लिए परचेज किया है, तो ऑब्वियसली बात है वो पर्सनल कंजम्पशन का हमारा है, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा क्योंकि दैट इज नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। देन सरकार ध्यान रखना बेटा,
सर, गुड्स लॉस्ट, गुड्स लॉस्ट डेस्ट्रॉयड और स्टोलन, गुड्स लॉस्ट स्टोलन डेस्ट्रॉयड और रिटर्न ऑफ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स या गिवन एज फ्री सैंपल, हाँ ना, तो आपको ITC नहीं मिलेगा। डिस्पोज्ड ऑफ एज अ फ्री सैंपल तो ऐसे या गिफ्ट तो कोई क्रेडिट नहीं मिलता बेटा। एंड लास्ट, अगर सेक्शन नंबर 74, 129 या 130 के परसेंस में आपने कोई टैक्स पे किया तो आपको कोई ITC नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अगर आपने ऐसा कोई इनवर्ट सप्लाई लिया जिसमें फ्रॉड हुआ था और सप्लायर ने टैक्स चोरी करी थी और उस टैक्स चोरी को डिपार्टमेंट पकड़ लिया, फिर उसने डेबिट नोट रेज किया उस टैक्स का, तो उस डेबिट नोट के बेस पे आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। भारत माता की जय। ये सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 पूरा खत्म होता है। अब ये था ब्लॉक क्रेडिट बेटा। सर नेक्स्ट आ रहा है क्या, सेक्शन नंबर 18 सबसेक्शन 6। सुनो बच्चों ध्यान से। अब सर पहले बात करें सेक्शन नंबर 18 सबसेक्शन 6। बच्चों मैं अपने लिंक के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, जो मैंने लेक्चर में आपने पढ़ाया था उसी लिंक से बच्चों, तो फास्ट कनेक्टिविटी होगी सर आपकी। सर ध्यान देना बेटा आपको। अच्छा एक उससे पहले एक सर्कुलर और, अगर आपने सर बाय मोर सेव मोर इसकी मतलब ना सर बाय वन गेट वन फ्री, तो बाय वन गेट वन फ्री तो क्या वो फ्री है क्या? वो फ्री नहीं है। और ऐसे केस में सर मान लो मैं सप्लायर हूँ, मैं जैकेट सेल करता हूँ बेटा, और मैंने स्कीम लगाई कि बाय वन गेट वन फ्री, तो सर दो जैकेट मैंने जब परचेज किए होंगे उस पर टैक्स पे क्या होगा? अब सेल तो मैं एक ही कर रहा हूँ, दूसरा तो फ्री बेच रहा हूँ, वो फ्री नहीं बेच रहा हूँ, दोनों का प्राइस कंबाइन है बेटा, तो मेरे को पूरा ITC मिलेगा, यहाँ पे कोई फ्री सैंपल नहीं माना जाएगा बेटा आपको। क्लियर? सेकंड, अगर आपने किसी को बाय मोर सेव मोर का स्कीम दिया हुआ है, तो ऐसे कि इसमें अगर वो बल्क में परचेस करता है आप उसको डिस्काउंट देते हो, तो ऑन द इन्वेस्ट इटसेल्फ अगर आपने डिस्काउंट दे दिया तो ऐसे केस में आपका वैल्यू कम हो जाएगा, आपका वैल्यू मतलब इन्वेस्ट टैक्स वैल्यू कम हो जाएगा और आपका टैक्स भी कम लगेगा, तो बायर को ITC भी कम मिलेगा बेटा। थर्ड, अगर आपने बाद में सेकेंडरी डिस्काउंट दिया बेटा, क्या दिया बेटा? सेकेंडरी डिस्काउंट, जैसे वॉल्यूम डिस्काउंट दे दिया आपने, टर्नओवर डिस्काउंट दे दिया, टारगेट अचीव करने पर डिस्काउंट दे दिया, तो अगेन वैल्यूएशन लिखा है बेटा सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 में क्लोज नंबर बी में, कि अगर आप सब्सिक्वेंटली डिस्काउंट देते हो और इट वॉज अ पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट कि ऐसा होने पर डिस्काउंट मिलेगा, और आपने क्रेडिट नोट इशू कर दिया है, तो आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी, पर कंडीशन क्या है? रेसिपिएंट ने उतना प्रोपोर्शनल ITC कम किया होना चाहिए बेटा। पर अगर आपने प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन नहीं थी, आपने क्रेडिट नोट इशू नहीं किया और सर इट इज़ नॉट लिंक्ड विद द इनवॉइसेस, तो ऐसे केस में आपका लायबिलिटी कम नहीं होगा, आप प्रॉपर केवल एक फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इशू कर पाएंगे, GST वाला क्रेडिट नोट इशू नहीं कर पाएंगे, आपकी लायबिलिटी कम नहीं होगी, तो सामने वाले का ITC भी कम नहीं होगा बेटा। क्लियर? डन। नॉर्मल फाइनेंशियल क्रेडिट नोट, नॉर्मल जो डिस्काउंट होता है बेटा, जो आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल दिए जाते हैं, पर्टिकुलर टाइम के बाद दिए जाते हैं बेटा, जिसको लिंक नहीं किया इनवॉइस से आपने, क्लियर? तो ऐसे केस में आपका लायबिलिटी कम नहीं होगा, तो सर बायर का ITC भी कम नहीं होगा। क्लियर? डन। ये एक सर्कुलर था बच्चों आपके लिए, अच्छा सा। ओके, अब बता दीजिए सर सेक्शन नंबर 18 सबसेक्शन 6। अगर आपने कोई कैपिटल गुड्स परचेज किया इंक्लूडिंग प्लांट और मशीनरी, और परचेज करने के बाद कुछ टाइम बाद आपने उसको बेच दिया, भले यूज़ किया या नहीं किया, और यूज़ किया भले पूरा यूज़ किया है कम यूज़ किया, मतलब एज ए स्क्रैप बेचा या वर्किंग कंडीशन बेचा, सारे केस में भले यूज़ किया नहीं किया, भले एज ए स्क्रैप बेचा भले वर्किंग कंडीशन बेचा, कैसे भी बेचा, ऐसे केस में उस पर कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? जितना आपने ITC अवेल किया था माइनस करेंगे क्या 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज ऑफ दैट कैपिटल गुड्स। उस कैपिटल गुड्स के परचेज इन्वेस्टमेंट से डेट लिखी होगी बेटा, टैक्स इन्वेस्ट का डेट जो होगा बेटा, वहां से लेकर 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर लेस कर देंगे, रिमेनिंग अमाउंट जो बचेगा वो या एक्चुअल टैक्स पे बोलो ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स सोल्ड व्हिचएवर इज हायर, इतना आपको टैक्स पे करना पड़ेगा बच्चों। पर अगर आपने रीफैक्ट्री ब्रिक्स मोल्ड्स डाइज जिक्स और फिक्सचर्स एज ए स्क्रैप बेचा है, तो सिंस उसकी लाइफ 5 साल नहीं होती बेटा, इसलिए वह 5% पर क्वार्टर का फंडा मत लगाना। अगर आपने रीफैक्ट्री ब्रिक्स मोल्ड्स डाइज जिक्स फिक्सचर्स अगर आपने बेचे है एज ए स्क्रैप, तो डायरेक्ट उसके ट्रांजेक्शन वैल्यू पर जो टैक्स बनता है वो पे करना है, वहाँ पे विच एवर हायर का फंडा नहीं लगाना बेटा। क्लियर? डन। ओके, अब आ रहा है क्या सेक्शन नंबर 18 के अदर प्रोविजंस बेटा। सुनो बच्चों ध्यान से, अगर आपके गुड्स एग्जम्प्ट थे या सर्विसेज एग्जम्प्ट थी और फिर क्या हो गई टैक्सेबल हो गई, या टैक्सेबल थे एग्जम्प्ट हो गई, आप कंपोजिशन में थे कंपोजिशन से बाहर आ गए, वाइस वर्सा, आप रजिस्टर्ड थे नहीं, आप रजिस्ट्रेशन आपने करा दिया, तो स्टॉक का ITC क्या होता है वो प्रोविजन पड़ रहा है बेटा। दिल थाम के बेटेगा सर, दिल थाम के कॉन्सेंट्रेशन। सेक्शन नंबर 18 में लिखा है क्या, सुनो बच्चों ध्यान से, अलोंग विद द रूल सर ये लिखा है कि अगर आप जो गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करते हो वो क्या थे, एग्जिम थे, नॉन टैक्सेबल थे, अल्टीमेटली टैक्स पे नहीं किया, तो जो भी इनपुट परचेस किया, कैपिटल गुड्स परचेस किया, इनपुट सर्विस परचेस किया, किसी का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। पर जैसे ही वो गुड्स या सर्विस क्या हो गए टैक्सेबल हो गए, तो सर जिस दिन वो टैक्सेबल हुए
तो सर अब आपको सेल पे टैक्स पे करना पड़ेगा, तो उस दिन जितना इनपुट स्टॉक में होगा उसका आईटीसी मिल जाएगा, भले वो इनपुट रॉ मटेरियल फॉर्म में हो, डब्ल्यूआईपी फॉर्म में हो, या फिनिश गुड फॉर्म में हो, जितने भी कैपिटल स्टॉक में है उसका भी आईटीसी मिल जाएगा, पर 5% पर क्वार्टर, और पार्ट ऑफ द क्वार्टर लेस करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ आईटीसी विल बी अलाउड इन रेस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। पर जो ऑलरेडी परचेज करी हुई इनपुट सर्विस है उसका कुछ भी नहीं हो सकता है, इनपुट और कैपिटल गुड्स का क्रेडिट मिलेगा, पर वो ध्यान रखना उसके परचेज इन्वॉइसेस लास्ट एक साल के अंदर अंदर के होना चाहिए, एक साल से ज्यादा पुराना अगर कोई इनपुट या कैपिटल गुड्स स्टॉक में पड़ा तो उसका कुछ भी ना हो पाएगा, उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। सर अब आपके गुड्स या सर्विस क्या है, टैक्सेबल है, जो भी नया परचेस करोगे सारा क्रेडिट मिल जाएगा। अब वापस क्या हो गया, मान लो गुड्स या सर्विस एग्जम्प्ट हो गए, अगर आपके गुड्स और सर्विस क्या हो गए एग्जम्प्ट हो गए, तो अब जब गुड्स या सर्विस बेचोगे तो कोई टैक्स पे नहीं करोगे, तो आपको आईटीसी भी नहीं मिलना चाहिए, पर आप ऑलरेडी जो परचेस कर चुके हो उसका आईटीसी तो ले चुके हो, तो उसका रिवर्स करना पड़ेगा। जितना भी इनपुट स्टॉक में होगा, भले रॉ मटेरियल कंडीशन में हो, फिनिश गुड्स कंडीशन में हो, या डब्ल्यूआईपी कंडीशन में हो, उसका आईटीसी क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। और कैपिटल गुड्स जितना भी स्टॉक में है उसका जो आपने आईटीसी लिया था उसको क्या करेंगे, डिवाइड बाय 60 मंथ इनटू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इन कंप्लीट मंथ, उससे जो अमाउंट आएगा वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा, एंड एनी रिमेनिंग बैलेंस इफ एनी शैल लैप्स। क्लियर? और अगर आपको इनपुट और कैपिटल गुड्स का जो रिवर्सिबल अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है मानो 4 लाख रुपए और बैलेंस केवल 3 लाख, तो क्या करेंगे, 3 लाख रिवर्स करेंगे और 1 लाख पे कर देंगे बेटा। और अगर इनपुट और कैपिटल गुड्स का रिवर्सिबल अमाउंट था कितना, 2,50,000, और आईटीसी बैलेंस कितना है, 3 लाख, तो 2,50,000 रिवर्स करेंगे और 50,000 क्या हो जाए, इट विल ऑल्सो लैप्स, मतलब वो भी रिवर्स कर देंगे बेटा। हाँ है ना, डन, ये पॉइंट खत्म होता है। अब ध्यान देना बेटा, रिवर्स किया आपने, क्लियर, अब आपके गुड्स या सर्विस क्या हो गए, एग्जम्प्ट हो गए, आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं बेटा, अब जो भी परचेस करोगे कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, डन। सर सेकंड केस, अगर आप कंपोजिशन स्कीम में थे और रेगुलर स्कीम में आ गए या वाइस वर्सा, तो क्या होगा, अगर आपने कंपोजिशन स्कीम लिया हुआ था तो जो भी इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स परचेस किया कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, अब आप कंपोजिशन से बाहर आ गए, यू हैव ऑप्टेड टू आउट फ्रॉम दी कंपोजिशन स्कीम, तो ऐसे केस में जितना भी इनपुट स्टॉक में उसका क्रेडिट मिल जाएगा, जितना भी कैपिटल गुड्स है उसका 5% पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ द क्वार्टर लेस करेंगे, रिमेनिंग क्रेडिट मिल जाएगा, पर इनपुट और कैपिटल गुड्स का परचेज इनवॉइस लास्ट एक साल के अंदर अंदर का होना चाहिए, उसे पुराने बिल का क्रेडिट नहीं मिलेगा, इनपुट सर्विस ऑलरेडी परचेस कर चुके उसका कुछ भी नहीं होगा। अब आप रेगुलर स्कीम में हो, नॉर्मल स्कीम में हो, नॉर्मल टैक्स पे करो, सारा परचेस करोगे, सबका क्रेडिट मिलेगा बेटा। अब वापस से आप कंपोजिशन में आ गए, आप रेगुलर स्कीम में हो, आप कंपोजिशन में आ गए, तो जितना भी इनपुट स्टॉक में है उसका क्रेडिट रिवर्स, जितना भी कैपिटल गुड्स है स्टॉक में उसका डिवाइड बाय, उसका जो आईटीसी है उसको डिवाइड बाय 60 मंथ इनटू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इन कंप्लीट मंथ, इतना रिवर्स, एंड एनी रिमेनिंग बैलेंस इफ एनी शैल लैप्स। अब आप कंपोजिशन में आ गए बेटा, जो भी नया परचेस करोगे कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। आपने नोट किया हो तो जो गुड्स एग्जम्प्ट से टैक्सेबल हो रहे थे, टैक्सेबल से एग्जम्प्ट हो रहे थे, या कंपोजिशन से रेगुलर स्कीम में, रेगुलर से कंपोजिशन के, प्रोविजन एब्सोल्युटली सेम है बेटा। ओके, थर्ड केस, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं थे, अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं थे, तो जो भी परचेस करोगे कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 1 बोलता है क्या, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन कैन अवेल द क्रेडिट बेटा। तो सर आप अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो तो आपने जो भी परचेस किया कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, पर जैसे ही आप मान लो रजिस्ट्रेशन कराते हो, भले वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराया या आप लायबल रजिस्टर हो इसलिए आपने रजिस्ट्रेशन कराया, अब आपने रजिस्ट्रेशन कराया तो जितना भी इनपुट ऑलरेडी स्टॉक में पड़ा हुआ है उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा, पर कैपिटल गुड्स का कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, इनपुट सर्विस का कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। ध्यान रखना यहाँ डिफरेंस केवल कैपिटल गुड्स का है, या कैपिटल गुड्स का कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, इनपुट का मिल जाएगा, भले रॉ मटेरियल कंडीशन में हो, डब्ल्यूआईपी कंडीशन में हो, या फिनिश गुड्स कंडीशन में हो, पर ध्यान रखना इनपुट्स का परचेज इनवॉइस लास्ट एक साल के अंदर का होना चाहिए, उससे पुराने इनवॉइस का क्रेडिट नहीं मिलेगा। ओके, अब आप रजिस्टर्ड हो, नॉर्मल टैक्स पे कर रहे हो, जो भी परचेस करोगे नया सारा क्रेडिट मिलेगा। अब वापस क्या हो गया, आप अनरजिस्टर्ड, अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन क्या करा दिया, कैंसिल करा दिया, सरेंडर करा दिया, तो ऐसे केस में क्या होगा बच्चों, माहौल। सर ऐसे केस में जितना भी इनपुट स्टॉक में है उसका आईटीसी कैलकुलेट करोगे बेटा, जितना भी कैपिटल गुड्स है उसका आईटीसी का डिवाइड बाय 60 मंथ इनटू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इन कंप्लीट मंथ कैलकुलेट करोगे, ये जो अमाउंट आएगा वो, या फिर एक्चुअल टैक्स पेबल ऑन ऑल दिस गुड्स सोल्ड विच एवर इज हायर, उतना आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि शेड्यूल 2 पैरा 4 क्लॉज सी बोलता है इफ अ पर्सन सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, तो ऐसे केस में सारे गुड्स जिसका उसने आईटीसी लिया हुआ है परचेज पर, वो सारे गुड्स मान लेते हैं उसने खुद ने खुद को सप्लाई कर दिए, और ऐसे केस में वो सप्लाई पर टैक्स कितना पे करना वो मैंने अभी आपको बताया बेटा। और अगर ये पे करने के बाद भी इनपुट टैक्स क्रेडिट बैलेंस कुछ रह जाए तो इट विल लैप्स, माहौल। क्लियर? अब यहाँ पे बात आती है बेटा, रजिस्ट्रेशन जब कराते हो तो क्यों कराते हो बेटा, जैसे आप रजिस्टर्ड नहीं थे, अब आप रजिस्ट्रेशन कराओगे तो इनपुट का क्रेडिट मिलेगा, कैपिटल गुड्स का नहीं मिलेगा बेटा, पर कौन से इनपुट का मिलेगा जो लास्ट एक साल में परचेस किए। पर सर यहाँ पे कहानी कहती है, आपने रजिस्ट्रेशन क्यों करवाया बेटा, दो केस बनेंगे, या तो आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराया या आप लायबल रजिस्टर हुए बेटा। अगर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराया तो जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट हो गया उस दिन से आप टैक्सेबल पर्सन बने, तो उस दिन का जो स्टॉक होगा वहां से लास्ट एक साल के परचेस किए हुए स्टॉक का क्रेडिट आपको मिल जाएगा बेटा। क्लियर? क्योंकि उस दिन से ही आपको टैक्स पे करना है। पर अगर आप लायबल टू रजिस्टर हुए, जैसे 14 फेब को आप लायबल टू रजिस्टर हो गए बेटा, पता नहीं 14 फेब को आपने क्या किया, आप लायबल टू रजिस्टर हो गए,
और ऐसे केस में विदिन 30 डेज यू कैन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन. आपने 2 मार्च को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, तो सर विदिन 30 डेज अगर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, विदिन 30 डेज अगर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, तो जिस दिन आप लायबल टू रजिस्टर थे 14 फेब, उस दिन के सारे स्टॉक आपको क्रेडिट मिल जाएगा. और 14 फेब से लास्ट एक साल में जो परचेस किया उन सब स्टॉक का आपको क्रेडिट मिल जाएगा. 14 फेब से लायबिलिटी आएगी, 14 फेब के स्टॉक का क्रेडिट मिल जाएगा आपको बेटा. क्लियर, डन. पर अगर आपने 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया वेन यू आर लायबल टू रजिस्टर, तो ऐसे केस में जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा उस दिन जो स्टॉक होगा उसी का आईटीसी मिलेगा, जबकि लायबिलिटी तो आएगी 14 फेब से. बेटा आपको ध्यान रखना. क्लियर, डन. सर अब ध्यान रखना बेटा, आपको जब आईटीसी लेना होता है तो जीएसटी आईटीसी सारे केस में, इन तीनों केस में, गुड्स एक्जम्प्ट थे टैक्सेबल हो गए, कंपोजिशन में थे रेगुलर स्कीम में आ गए, या आप रजिस्टर्ड नहीं थे रजिस्ट्रेशन करा दिया, इन सारे केस में जब आप इनपुट या कैपिटल गुड्स जिसका भी आप आईटीसी ले रहे हो वो अगर जब आप आईटीसी लेते हो तो फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 01 नंबर का फॉर्म आपको फिल करना पड़ता है. जीएसटी आईटीसी 01 नंबर का फॉर्म विदिन 30 डेज जिस दिन आप एलिजिबल हुए क्रेडिट के लिए उसके 30 दिन के अंदर आपको जीएसटी आईटीसी 01 नंबर का स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा. और अगर जो आईटीसी अवेल कर रहे हो उसका अमाउंट इज एक्सीडिंग ₹2 लाख, तो एक प्रैक्टिसिंग सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट से आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि इसने सब कुछ सही क्रेडिट लिया बेटा. क्लियर, डन. और सर सारे केस में जब रिवर्सल की बात आती बेटा, जैसे आप रेगुलर स्कीम से कंपोजिशन से ले गए, गुड्स टैक्सेबल थे, सर्विस टैक्सेबल थी, एग्जम्प्ट होगी बेटा, या आपने रजिस्ट्रेशन सरेंडर कर दिया, इन सारे केस में जब जब आपको क्रेडिट रिवर्स करने की बात आती है तब तब आप फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 03 नंबर का फॉर्म भरेंगे विद इन 60 डेज. जब वो इवेंट हुआ जिसकी वजह से आप कंपोजिशन में आ गए, मतलब कुल मिलाकर रिवर्सल करना पड़ रहा है, 60 दिन के अंदर आप स्टॉक स्टेटमेंट देंगे इन द फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 03. क्लियर. और हाँ सर, इनपुट का जब आप क्रेडिट रिवर्स करेंगे तो उसके परचेस बिल भी लिखा होगा, इतना हमने परचेस पे टैक्स पे किया था, उसका आपने क्रेडिट लिया था उतना रिवर्स करो. पर अगर मान लो परचेस बिल अवेलेबल नहीं है तो करंट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस होगी उसकी बेस पे जो टैक्स बनता है उतना आईटीसी आप रिवर्स करेंगे. और करंट मार्केट प्राइस आपने जो ली है वो सही ली कि नहीं ली, उसके लिए सीए का सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिसिंग सीए या कॉस्ट अकाउंट आपको लेना पड़ेगा क्रेडिट रिवर्सल के केस में बेटा. क्रेडिट अवेल करते हो तो बिल नहीं तो क्रेडिट मिलता ही नहीं बेटा, पर रिवर्सल के केस में बिल नहीं है तो भी रिवर्सल तो करना पड़ेगा बेटा आपको. क्लियर, डन. और सीए का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि मार्केट वैल्यूएशन सही डिक्लेयर करी बेटा. क्लियर, डन. ये प्रोसेस पार्ट भी खत्म होता है. अब सुना बच्चों ध्यान से, अब आ रहा है क्या सर, चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस बेटा, अमलगमेशन, मर्जर, टेक ओवर, सर चेंज ऑफ ऑनरशिप, डी मर्जर, इन सब के केस में क्या होगा. यहाँ पर रूल नंबर 41 ने कहा है क्या सर, सुना बच्चों ध्यान से, सेक्शन नंबर 18 सबसेक्शन 3 रेड विद रूल नंबर 41 बोलता है बच्चों क्या, अगर कभी भी चेंज ऑफ ऑनरशिप हो रहा है तो ऑब्वियस बात है, मान लो एक्सवाइजेड कंपनी का मालिक एबीसी कंपनी बन गया बेटा, तो ऐसे केस में एक्सवाइजेड के पास जितना भी अनयूटिलाइज्ड बैलेंस ऑफ आईटीसी पड़ा है वो सारा किसका हो जाएगा, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड हो जाएगा, एबीसी लिमिटेड का हो जाएगा बेटा. हाँ है ना. पर सर कैसे होगा बेटा ये ट्रांसफर, ट्रांसफर जो होगा वो एक फॉर्म फिल करेगा जीएसटी आईटीसी 02 नंबर का फॉर्म, और सर उसमें लिखेगा कि इस रीजन की वजह से मैं अपना आईटीसी पास ऑन कर रहा हूँ इसको. क्लियर. और जो ट्रांसफर होगा वो अपने जीएसटी पोर्टल पर जाके लॉगिन करके उस आईटीसी 02 नंबर से जो आईटीसी आएगा उसको एक्सेप्ट करेगा, तो सारा आईटीसी यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा. पर इस केस में जो ट्रांसफर है उसको सीए का सर्टिफिकेट भी चाहिएगा बेटा. सीए मतलब जावी में सीए बोल दो, प्रैक्टिसिंग सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट में सर्टिफिकेट चाहिएगा कि हाँ यहाँ पर केवल असेट पास ऑन नहीं हुए, असेट के साथ साथ सारी लायबिलिटीज भी पास ऑन हुई है, केवल आईटीसी पास ऑन नहीं कर रही है, प्रॉपर अमलगमेशन मर्जर वगैरह जो भी ट्रांसफर होना चाहिए उस अकॉर्डिंग ट्रांसफर हुआ बेटा. क्लियर. केवल असेट्स ट्रांसफर नहीं हुए, सारे असेट प्लस सारी लायबिलिटी ट्रांसफर हुई बेटा. प्लस यहाँ पे एक और पॉइंट आएगा, अगर कभी डी मर्जर हुआ है, अगर कभी डी मर्जर हुआ है तो ऐसे केस में आईटीसी डिवाइड होगा बेटा दोनों कंपनी में, तो जितना वैल्यू ऑफ असेट्स पास ऑन हो रहा है, जितना वैल्यू ऑफ असेट्स पास ऑन हो रहा है उस रेशियो में आईटीसी पास ऑन कर देंगे बेटा. और हाँ, असेट्स में कौन कौन से असेट लेने, सारे असेट लेने बिजनेस के, भले उनके परचेस पे आपने आईटीसी लिया है नहीं लिया उसे कोई कंसर्न नहीं है. क्लियर. असेट्स के रेशियो में आप आईटीसी डिवाइड करके सर नई कंपनीज को आप आईटीसी पास ऑन कर देंगे बच्चों. और हाँ ध्यान देना बच्चों, ये था क्या रूल नंबर 41. अब रूल नंबर 41 ये कहता है कि मान लो मेरा राजस्थान में एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, अब राजस्थान में मेरी एक और यूनिट है बेटा, जो मेरी पहली एडिशनल पैसों बिजनेस थी, सेम रजिस्ट्रेशन नंबर था बेटा, सारा आईटीसी भी एक, सारे लायबिलिटी भी एक, पर अगर मैं उस दूसरी यूनिट का नया रजिस्ट्रेशन ले रहा हूं तो रूल नंबर 41 ये कहता है उसको आईटीसी पास ऑन करना पड़ेगा. तो सेम वे एक तरह से डीमर्जर होता ना बेटा, अ काइंड ऑफ दैट ओनली बेटा. तो यहाँ पे जीएसटी आईटीसी 02A नंबर का फॉर्म फिल करके ट्रांसफर प्रोपोर्शनेट आईटीसी ट्रांसफर को पास ऑन करेगा जिसका नया रजिस्ट्रेशन करा रहे हो उस यूनिट का बेटा, रूल नंबर 41A के अकॉर्डिंग. एंड सर अगेन प्रोपोर्शन किस रेशियो में होगा बेटा, वैल्यू ऑफ असेट्स जो उसको जा रहा है बेटा. सर तो असेट्स कौन से होंगे बेटा, सारे असेट्स, भले ही उसका आपने आईटीसी लिया है नहीं लिया उसे कंसर्न नहीं है, सारे असेट्स की वैल्यू हम लेंगे बेटा. और ध्यान रखना सर, ये असेट्स किस प्रोपोर्शन में होगा बेटा, राजस्थान की दो यूनिट थी, दोनों यूनिट का
आप रेशो ले लेंगे एसेट्स का और उस रेशो में पूरा आईटीसी डिवाइड हो जाएगा, तो जितना आईटीसी उस दूसरी यूनिट के बनता है उतना यहाँ से वापस ऑन कर देंगे आईटीसी 02A नंबर के फॉर्म के थ्रू बेटा। क्लियर, डन, ये पॉइंट खत्म होता है। अब माहौल सरकार, ये था पूरा सेक्शन नंबर 18 अलोंग विद ऑल द रिलेटेड रूल्स एंड प्रोविजंस। ओके बच्चों, सरकार बात आती है क्या सेक्शन नंबर 17 के बाकी प्रोविजंस की हम बात कर रहे हैं बेटा। ओके, दिल दिमाग इधर। अगर मान लो आप एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल गुड्स या टैक्सेबल सर्विस ही बनाते हो तो सारा आईटीसी लेंगे बेटा। अगर आप एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्ट गुड्स या एग्जम्प्ट सर्विस बनाते हो तो कोई क्रेडिट नहीं लोगे बेटा। पर अगर आप थर्ड केस, अगर आप मोर देन वन गुड्स या मोर देन वन सर्विस सप्लाई करते हो और सारे ही टैक्सेबल है तो सारा ही क्रेडिट लोगे और वन टू वन कोरिलेशन मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। पर आप मोर देन वन गुड्स और सर्विस और बहुत सप्लाई करते हो जिसमें से कुछ क्या है टैक्सेबल, कुछ क्या है एग्जेम्प्ट, तो जितना टैक्सेबल में काम आया उतना ही क्रेडिट मिलेगा, जितना एग्जेम्प्ट में काम आया उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो उसके लिए रूल नंबर 42 और रूल नंबर 43 शिद्दत से दिए बेटा, दिल थाम के सुनेगा। सर रूल नंबर 42 बोलता है इनपुट और इनपुट सर्विस के केस में क्या होगा, 43 बोलता है कैपिटल गुड्स के केस में क्या होगा, रूल नंबर 42 बोलता है अगर आपने मान लो मंथ चल रहा है अभी जून है, मई मंथ की बात करते हैं तो मई का कैलकुलेशन जून में करेंगे बेटा। मई 2020 मंथ में आपने बहुत सारे इनपुट सर्विस परचेज किए, उन सब पे टैक्स पे किया 70 लाख रुपए बेटा। अब उसमें से कुछ इनपुट सर्विस एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस के लिए काम आए हटा दो साहब, एक्सक्लूसिवली एग्जाम में काम आए हटा दो साहब, एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल में काम आए इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई ले लो सारा क्रेडिट, जो बच गया वो क्या है कॉमन क्रेडिट बेटा। क्लियर, जो बच गया वो क्या है कॉमन क्रेडिट C1 जिसको बोलते हैं बेटा। अब ये कॉमन क्रेडिट है, ये आइडेंटिफाइड नहीं है कि टैक्स में काम आया कि एग्जाम में काम आया, कॉमन बेटा इनपुट सर्विस का क्रेडिट। तो क्या करेंगे उस महीने का, मई महीने का कैलकुलेशन करें तो मई मंथ का जो टर्नओवर है बेटा, एग्जाम टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय कॉमन क्रेडिट C1, ये जो अमाउंट आएगा ये आपका रिवर्सिबल अमाउंट आ जाएगा D1 का बेटा। प्लस अगर कुछ इनपुट और इनपुट सर्विस कॉमनली काम आए नॉन बिजनेस और बिजनेस दोनों के लिए बेटा, तो ऐसे केस में 5% ऑफ C1 जो कॉमन क्रेडिट था उसका 5% हम क्या करेंगे रिवर्स करेंगे, इसको बोलते हैं D2 बेटा। तो सर D1 आ गया E/F करके बेटा, E मतलब एग्जाम टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर, क्लियर प्रोपोर्शनल अमाउंट, और D2 आ गया 5% ऑफ कॉमन इनपुट और कॉमन इनपुट सर्विस अगर कोई नॉन बिजनेस के लिए काम आया तो। ओके सरकार, ये D1 प्लस D2 क्या हो जाएगा, आपको रिवर्स करना पड़ेगा एवरी मंथ। तो सर क्या किया आपने बेटा, एक बार सारा क्रेडिट लिया बेटा जो कॉमन था वो, और फिर D1 प्लस D2 का जो अमाउंट आया प्रोपोर्शनली आपने क्या कर दिया रिवर्स कर दिया। क्लियर, समझे मेरी बात, GSTR 3B फाइल करते वक्त आपने ये ITC रिवर्स कर दिया। ओके माहौल, सर ये कैलकुलेशन आप हर महीने करेंगे, फिर फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद क्या करेंगे आप एनुअल टर्नओवर वापस लेंगे बेटा, और ये कैलकुलेशन वापस करेंगे और एनुअल टर्नओवर से जो प्रोपोर्शन रिवर्सिबल आता है और जो आपने हर महीने रिवर्स किया सबको कंपेयर करेंगे और देखेंगे कितना रिवर्स करना था और कितना रिवर्स किया, जो भी प्लस माइनस होगा दैट विल बी एडजस्टेड। पर ध्यान रखना बेटा ये एडजस्टमेंट करना पड़ेगा फाइनेंशियल खत्म होने के बाद सेप्टेम्बर मंथ की रिटर्न फाइल करने से पहले पहले बेटा, हाँ है ना, सेप्टेम्बर मंथ की रिटर्न या उससे पहले पहले आपको ये करना पड़ेगा एडजस्टमेंट, उसके बाद एडजस्टमेंट नहीं होगा। जैसे आपने ज्यादा रिवर्स कर दिया तो रीएबल द क्रेडिट, आपने कम रिवर्स किया तो आपको लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी वो भी अलोंग विद इंटरेस्ट, पर इंटरेस्ट कब से फाइनेंशियल खत्म होने के बाद 1 अप्रैल से लेकर जब आप वो पे करेंगे तब तक आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बेटा। अच्छा दो तीन बातें और, अगर मान लो मंथली जब आप प्रोपोर्शन रिवर्स करते हो तब प्रीवियस मंथ का अगर टर्नओवर अवेलेबल नहीं है, भाई मई महीने का आप टर्नओवर देख रहे हो बेटा, मई महीने का टर्नओवर नहीं है तो ऐसे केस में प्रीवियस मंथ का टर्नओवर ले सकते हो, अप्रैल महीने का टर्नओवर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, क्योंकि एनीवेज एनुअल टर्नओवर से प्रोपोर्शन होने वाला लास्ट में बेटा, एडजस्टमेंट फाइनली एनुअल टर्नओवर के बेस पे होगा। ओके सेकंड, जब आप ये टर्नओवर कैलकुलेट करते हो तो टर्नओवर के अंदर, वैसे आपने बात करी भी वैल्यू सप्लाई के अंदर की सारे टैक्सेस अदर देन जीएसटी वाले टैक्सेस वैल्यू का पार्ट बनता है, पर फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल नंबर 42 एंड 43, अब जो बातें कर रहा हूं कॉमन है रूल नंबर 42 और 43 के लिए, सेंट्रल एक्साइज, स्टेट एक्साइज, वेट और CST टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ रूल नंबर 42 एंड 43। प्लस सरकार ध्यान देना बेटा, अगर आपकी इंटरेस्ट की इनकम आती है, किसकी आती है बेटा ब्याज की इनकम, तो आपको पता है सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग लोन्स एडवांसेस डिपॉजिट्स इन सो फार एज द कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट, तो लोन पे जो इंटरेस्ट अर्न होता है, FD पे जो इंटरेस्ट अर्न होता है, उस इंटरेस्ट पे GST एग्जम्प्ट बेटा, वो एग्जम्प्ट सप्लाई सर्विस है, पर फिर भी उसको एग्जम्प्ट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करना है एक्सेप्ट फॉर अ बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग NBFC बेटा। सेकेंड, अगर आप एक शिपिंग कंपनी हो, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय वेसल करते हो फ्रॉम कस्टम्स स्टेशन इन इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, तो उसमें जो फ्रेट चार्ज किया उस फ्रेट पे भी GST एग्जम्प्ट है, फिर भी उसको वैल्यू ऑफ एग्जाम टर्नओवर में काउंट नहीं करेंगे। हाँ ये टर्नओवर टैक्सेबल में काउंट होंगे, सॉरी एग्जाम, ये टर्नओवर टोटल में काउंट होंगे,
तो ई अपॉन एफ जब करते हैं बेटा तो ई में काउंट नहीं होंगे, एफ में काउंट होंगे बेटा दोनों टर्नओवर, इंटरेस्ट वाला भी और शिपिंग कंपनी ने जो वेसल से ट्रांसपोर्ट किया है गुड्स को फ्रॉम कस्टम स्टेशन टू आउटसाइड इंडिया, वो फ्रेट का अमाउंट टोटल टर्नओवर में आएगा पर एक्स में काउंट नहीं करेंगे। ओके सर, देन एक बात और आती बेटा, अगर आप सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग करते हो सर, शेयर्स वगैरह बेचते करते हो तो सर परचेज सेल करते हो, तो उसको सिक्योरिटीज इज नीदर गुड्स नॉर सर्विसेज, पर उसमें भी तो कॉमन मशीनरी आप लैपटॉप वगैरह काम आए बेटा, कॉमन लैपटॉप काम आया, कॉमन ऑफिस काम आया बेटा आपका, इसलिए गवर्नमेंट उसको एग्जम सप्लाई मानते हुए यह बोल दिया 1% ऑफ सेल प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज विल बी कंसिडर्ड एज वैल्यू ऑफ एग्जम सप्लाई और अकॉर्डिंगली आपको क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा सर। सेकंड, अगर आप लैंड और बिल्डिंग बेचते हो तो सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग एंड अदर इमोबल प्रॉपर्टी इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, पर फिर भी फॉर द पर्पज ऑफ रूल 42-43 आपको उसको एग्जम टर्म में इंक्लूड करना है, और जिस वैल्यू पे आपने स्टैंप ड्यूटी पे करी, जिस वैल्यू पे आपने स्टैंप ड्यूटी पे करी है वो वैल्यू हम लेंगे फॉर द पर्पज ऑफ टर्नओवर ऑफ एग्जम सप्लाई बेटा। क्लियर डन सर। एक बात और, अगर कोई ट्रांजेक्शन शेड्यूल 3 में कवर है, कहाँ कवर है बेटा, शेड्यूल 3 में, तो ऐसे केस में शेड्यूल 3 के ट्रांजेक्शन को एग्जम टर्म में इंक्लूड नहीं करना, एक्सेप्ट सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग बेटा। हाँ है ना बच्चों, हाँ है ना बच्चों, डन सरकार। एक और बात, अगर आपने ऐसा कोई आउटवर्ड सप्लाई दिया जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है तो उसके आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स पे करता है रेसिपिएंट, सप्लायर पे नहीं करता है, इसलिए सप्लायर के एंगल से उसको एग्जम टर्म में इंक्लूड करना है। ऑल्दो वो एग्जम नहीं फिर भी रेसिपिएंट लायबल है, सप्लायर लायबल नहीं, सप्लायर के लिए उसको एग्जम टर्म में इंक्लूड करेंगे क्योंकि वहाँ पे आईटीसी नहीं मिलता है, इसलिए बेटा। क्लियर डन, ये सारी बातें खत्म होती है। अब ये रूल 42 पूरा खत्म बेटा, रूल 43 दिल थाम के सुनेगा। कैपिटल गुड्स, अगर आपने मान लो अगेन मई 21 में बहुत सारे कैपिटल गुड्स परचेस किए, उस पर मान लो 70 लाख रुपये का जीएसटी पे किया, उसमें से कुछ कैपिटल गुड्स एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस काम आए हटा दो, एक्सक्लूसिवली एग्जाम में काम आए हटा दो, एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई में काम आए, टैक्सेबल गुड्स टैक्सेबल सर्विस में काम आए, इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस में काम आए, क्रेडिट ले लो बेटा। जो बच गए वो क्या है, कॉमन क्रेडिट बेटा। अभी कॉमन कैपिटल गुड्स का सारा क्रेडिट अवेल कर लो बेटा, फर्स्ट ईयर में अवेल कर लो, जिस मंथ में परचेस किया उसी मंथ में सारा क्रेडिट अवेल कर लो, फिर सिंस वो कॉमन क्रेडिट है बेटा इसलिए उसको एक अलग कैलकुलेशन करेंगे, उसको डिवाइड बाय 60 मंथ करेंगे और 60 मंथ तक उसको स्ट्रेट एंड मेथड से स्प्रेड कर देंगे, और 60 मंथ तक आप क्या करेंगे, रेस्पेक्टिव मंथ का एग्जम टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय वो जो अमाउंट आया डिवाइड बाय 60 करने के बाद, वो अमाउंट को क्या करेंगे, ये प्रोपोर्शनल अमाउंट जाएगा एवरी मंथ आप लायबिलिटी में ऐड करेंगे, वो भी अलोंग विद इंटरेस्ट। आई रिपीट, जो कॉमन क्रेडिट था एक बार पूरा अवेल किया उसको, जैसे 6 लाख रुपये था बाटो कॉमन क्रेडिट डिवाइड बाय 60 मंथ किया 10,000 रुपये आ गया। अब सर 10,060 महीने तक ई अपॉन एफ करेंगे, प्रोपोर्शन अमाउंट जो आएगा वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में एवरी रेस्पेक्टिव मंथ में ऐड करेंगे अलोंग विद इंटरेस्ट। और ध्यान रखना यहाँ पे ईयर एंड के बाद कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 60 मंथ तक वैसे भी स्प्रेड हो रहा है, यहाँ पे मिसयूज होने के चांस नहीं है। क्लियर डन। ओके बच्चों, अगेन रूल 42 के जो कॉमन पॉइंट थे कि टर्नओवर में क्या इंक्लूड करना है क्या नहीं करना, वो बात मैं ऑलरेडी आपसे कर चुका हूँ। अच्छा अब ध्यान रखना बेटा, इसमें एक बात हो रहा है कि रूल 43 में सर, अगर आपके गुड्स पहले टैक्सेबल में काम आते फिर एग्जम में काम आने लगे या कॉमन का मान लगे या वाइस वर्सा, तो उन केसेस में क्या होता है, ध्यान देना बेटा, जुलाई 20 एग्जाम्स जिनके उनके लिए पहले बात कर रहा हूँ, फिर नवंबर 20 एग्जाम्स जिनके लिए होंगे उनके बाद में कर लूँगा बेटा मैं, क्योंकि इस प्रोविजन में छोटा सा एक अमेंडमेंट हुआ है, देर वॉज एन एरर इन द लॉ। ओके पहले जुलाई 20 वाला क्या एप्लीकेबल था, सुनना बच्चों ध्यान से। मान लो सर ये क्या है, टैक्सेबल गुड्स, ये क्या है, एग्जम गुड्स, मान लो और एग्जम गुड्स हो एग्जम सर्विस हो टैक्सेबल गुड्स हो टैक्सेबल सर्विस हो, प्रोविजन सेम है बेटा, मैं गुड्स का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सर्विसेज भी हो सकती है। ओके माहौल, मान लो आपने कोई कैपिटल गुड्स परचेस किया था जो एक्सक्लूसिवली एग्जम में कमा रहा था, तो आपने जब परचेस किया होगा तब कोई क्रेडिट नहीं लिया होगा, ऑब्वियस बात है। फिर कुछ टाइम बाद 2 साल बाद उस मशीन को आप केवल टैक्सेबल में काम ले रहे हो, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर लेस कर देंगे, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ आईटीसी ले लेंगे बेटा। अच्छा बच्चों ध्यान रखना, यहाँ मैंने जानबूझ के 2 साल का एग्जाम्पल लिया, यहाँ कहीं आप सेक्शन नंबर 18 का टाइम लिमिट नहीं लगाते बेटा, आपको पता है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर आपने तो बताया था कि परचेज भी लास्ट 1 साल का होना चाहिए। अरे बेटा उसमें यह था कि पेन ही टैक्सेबल हो रहा था, तो ऐसे केस में परचेज कैपिटल गुड्स लास्ट 1 साल में जो परचेज किया उसका ही क्रेडिट मिलता बेटा। हाँ है ना, कैपिटल गुड्स हो या इनपुट हो। ओके बच्चों, पर यहाँ पे क्या है, पहले आप उस कैपिटल गुड्स से एग्जिम गुड्स बना रहे थे, अब उससे ये वाला टैक्सेबल गुड्स बना रहे बेटा, चेंज हुआ है गुड्स, तो ऐसे केस में 2 साल बाद भी ऐसा चेंज हुआ है तो भी आपको आईटीसी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर लेस करना पड़ेगा क्योंकि उतना टाइम वो केवल इसमें काम आया। ओके केस नंबर 2, मान लो कोई कैपिटल गुड्स परचेज किया जो केवल इसमें काम आ रहा था और 2 साल बाद वो कॉमन काम आने लगे बेटा, कॉमन मतलब दोनों के लिए काम आ रहा है, तो ऐसे केस में सर नवंबर 20 के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, जुलाई 20 के लिए, तो ऐसे केस में 5% पर क्वार्टर
आपने ओरिजिनल जब परचेस किया था क्रेडिट नहीं लिया, तो आप क्या करेंगे 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ क्वार्टर लेस करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट पूरा एक बार अवेल कर लेंगे, फिर उसको डिवाइड जो रिमेनिंग अमाउंट आया उसको डिवाइड बाय 60 मंथ करेंगे और 60 मंथ तक ईएफएनएफ करेंगे। मतलब देखा जाए तो 2 साल उसकी लाइफ ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी है, फिर भी अगले 5 साल तक और आपको ईएफएनएफ करना पड़ेगा। हाँ, यही करना पड़ेगा जुलाई 20 एग्जाम्स के लिए। अब यहाँ पे अमेंडमेंट हो चुका है क्लियर, पर वो नवंबर 20 के लिए एप्लीकेबल है, इसलिए नवंबर 20 वाले उस अमेंडमेंट को बात करेंगे। जुलाई 20 जिनके एग्जाम्स होंगे वो तो यही बात करेंगे क्या कि जब परचेज किया तब कोई क्रेडिट नहीं लिया, फिर 2 साल बाद वो कॉमन का मारा है तो 5% पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ क्वार्टर लेस कर दो, रिमेनिंग अमाउंट जो बचेगा वो पूरा एक बार अवेल कर लो, फिर उसको डिवाइड बाय 60 मंथ करेंगे और अगले 5 साल तक ईएफएनएफ करते जाएंगे बेटा। क्लियर। केस नंबर 3, कोई कैपिटल गुड्स परचेज किया केवल किसके लिए, टैक्सेबल के लिए, आपने सारा क्रेडिट लिया होगा बेटा, फिर कुछ टाइम बाद वो मशीन केवल एग्जामिंग का मारी तो क्या करेंगे 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ क्वार्टर लेस कर देंगे, रिमेनिंग अमाउंट पूरा रिवर्स कर देंगे। केस नंबर 4, अगर कोई कैपिटल गुड्स केवल इसमें का मारा था बेटा, आपने सारा क्रेडिट ऑलरेडी ले लिया है, फिर बाद में वो 2 साल बाद या 3 साल बाद कॉमन का मारा है तो क्या करेंगे साहब, क्रेडिट तो ऑलरेडी अवेल कर चुके हो बेटा, क्रेडिट तो पूरा अवेल कर चुके हो, अब जुलाई 20 के लिए बोल रहा हूं मैं, क्रेडिट तो पूरा अवेल कर चुके हो, अब क्या करेंगे सिंस 3 साल केवल इसमें काम आया तो 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ क्वार्टर लेस कर देंगे, रिमेनिंग अमाउंट जो होगा वो कॉमन क्रेडिट में ऐड कर देंगे। अच्छा, अवेल तो ऑलरेडी कर चुके हो, बस कॉमन वाली कैलकुलेशन में ऐड कर देंगे, फिर उस कॉमन क्रेडिट को क्या करेंगे डिवाइड बाय 60 मंथ और अगले वापस 5 साल तक ईएफएनएफ चालू कर देंगे बेटा। हाँ है ना, मतलब 3 साल ऑलरेडी काम आ चुका है टैक्सेबल में, फिर अगले 5 साल और कैलकुलेशन करनी है, तो ये भी अगेन लॉ में एरर है, पर जुलाई 20 के लिए यही फॉलो करिएगा बेटा। केस नंबर 5, सर आपने जो कैपिटल गुड्स परचेस किया वो कॉमन काम आ रहा है, तो आपने सारा क्रेडिट अवेल किया था, फिर उसको डिवाइड बाय 60 किया होगा, ईएफएनएफ चालू कर दिया होगा, फिर कुछ टाइम बाद वो मशीन केवल टैक्सेबल में काम आ रही है, तो क्या करेंगे अरे ईएफएनएफ करना बंद कर दो, अवेल तो वैसे भी कर चुके हो, बस रिवर्स करना बंद कर दो बेटा उस महीने से। लास्ट केस, कोई मशीन आपने कॉमन परचेस करी थी बेटा, परचेस करी थी कॉमन काम आ रही है, आपने सारा क्रेडिट लिया था, फिर डिवाइड बाय 60 किया होगा, ईएफएनएफ चालू कर दिया होगा, फिर कुछ टाइम बाद वो मशीन केवल एग्जिम में काम आ रही है, तो क्या करेंगे 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ क्वार्टर लेस कर दो, रिमेनिंग अमाउंट जो बचा वो पूरा क्या कर दो रिवर्स कर दो, लायबिलिटी में ऐड कर दो, और फिर कोई ईएफएनएफ होने की बात नहीं आएगी क्योंकि पूरा आप रिवर्स कर चुके रिमेनिंग अमाउंट बेटा। हाँ है ना, और जितना टाइम कॉमन काम आया उसका ईएफएनएफ ऑलरेडी हो चुका है बेटा। भारत माता की जय, ये रूल नंबर 43 पूरा खत्म होता है। अब मैं बात करूँ यहाँ पे जो अमेंडमेंट था जो नवंबर 20 के लिए एप्लीकेबल बेटा, जुलाई 20 वाले ये बात नहीं सुने बेटा, सुनना सरकार और नॉलेज के लिए सीखना सीख लीजिए बेटा। सर नवंबर 20 के लिए क्या हो गया, वापस केस रिपीट करता हूं बेटा मैं, मान लो कोई कैपिटल गुड्स केवल एग्जिम में कमा रहा है, केवल किसमें कमा रहा है एग्जिम में कमा रहा है, आपने कोई क्रेडिट नहीं लिया होगा, फिर कुछ टाइम बाद वो मशीन केवल इसमें काम आ रही है बेटा, 2 साल बाद मशीन इसमें काम लेने लग गए, तो 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ क्वार्टर जितना टाइम इसमें काम आया लेस करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट पूरा अवेल कर लेंगे। केस नंबर 2, दिल थाम के सुना, यह अमेंडमेंट है, आपकी कोई आपने कोई कैपिटल गुड्स परचेस किया जो केवल एग्जाम में काम आ रहा था, आपने कोई क्रेडिट नहीं लिया था, 2 साल बाद वो कॉमन काम आ रहा है, तो क्या होगा, ध्यान से सुनना बेटा, आपने जो ओरिजिनली परचेज करते वक्त जो पूरा टैक्स पे किया था वो पूरा क्रेडिट एक बार अवेल करो और उसको कॉमन क्रेडिट मेड कर दो, फिर उसको डिवाइड बाय 60 करो और डिवाइड बाय 60 करके ईएफएनएफ चालू कर दो, पर ये डिवाइड बाय 60 जो होगा ईएफएनएफ जो होगा कब तक होगा, 5 साल तक ही होगा, पर 5 साल कब से, यूजफुल लाइफ ऑफ द कैपिटल गुड्स 5 साल कब से, डेट ऑफ इनवॉइस ऑफ सच पर डेट ऑफ परचेज इनवॉइस ऑफ सच कैपिटल गुड्स। ओके, मतलब आपने क्या किया, वो 2 साल तक केवल इसमें कमाया बेटा, फिर भी आपने एक बार पूरा क्रेडिट अवेल कर लिया, डिवाइड बाय 60 मंथ किया और ईएफएनएफ चालू किया, पर ईएफएनएफ जो होगा वो अब नेक्स्ट 36 मंथ ही होगा बेटा उसका, और 2 साल तक वो केवल इसमें काम आया, 2 साल तक वो केवल इसमें काम आया, तो उतना क्रेडिट तो नहीं मिलना चाहिए ना यार, तो पर आप अवेल तो पूरा कर चुके हो, तो क्या करेंगे जितना पूरा क्रेडिट था उसका परचेज बिल पे वो पूरा आपने अवेल कर लिया 2 साल बाद, तो क्या करेंगे उसका 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ क्वार्टर कैलकुलेट करना और उसको पूरे को उसी महीने की आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड कर देना, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, एक बार पूरा अवेल किया और 2 साल के हिसाब से जो 5% बनता है वो आपने लाइबिलिटी में ऐड कर दिया, तो अल्टीमेटली नेट क्रेडिट मिला ना बेटा आपको एक तरह से, पर वो डिवाइड बाय 60 जो हो रहा था बेटा वो ओरिजिनल अमाउंट को कर दिया और उसको रिमेनिंग यूजफुल लाइफ जो बची उसमें ही ईएफएनएफ करेंगे, जबकि पहले क्या होता था बेटा नए 60 महीने शुरू होते थे बेटा, विच वॉज एन एरर इन द लॉ। क्लियर, डन। डिटेल में समझना है तो अमेंडमेंट लेक्चर में देख लेना बेटा, उसमें डिटेल में और समझाया मैंने। ओके, सेकंड केस, थर्ड केस, मान लो आपने जो कैपिटल गुड्स परचेज किया केवल इसमें काम आ रहा था, आपने सारा क्रेडिट ले लिया बेटा, 2 साल बाद वो केवल इसमें काम आ रहा है, तो 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ क्वार्टर अमाउंट लेस कर देंगे और बाकी क्रेडिट पूरा क्या कर देंगे रिवर्स कर देंगे, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड कर देंगे। केस नंबर 4, आपने जो मशीन परचेज किया केवल इसके लिए काम आ रहा था, आपने सारा क्रेडिट अवेल कर लिया है, ऑलरेडी अवेल कर चुके हो, फिर 3 साल बाद वो कॉमन काम आ रहा है, 3 साल बाद वो कॉमन काम आ रहा है, तो सर अवेल तो ऑलरेडी कर चुके हो,
अब क्या करेंगे, वो टोटल अमाउंट जो था जो परचेस टैक्स पे किया उसको पूरे को कॉमन क्रेडिट मेड कर दो, पूरे को 5% पर क्वार्टर लेस नहीं करना बेटा, पूरे को कॉमन क्रेडिट मेड कर दो, उसको डिवाइड बाय 60 करो और नेक्स्ट 2 साल तक ये अपने होता रहेगा बेटा। जैसे 6 लाख का क्रेडिट था बेटा, तो 6 लाख डिवाइड बाय 60 किया 10,000 रुपया है, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय ई अपन एफ ये होगा नेक्स्ट 2 साल तक ही बेटा। पहले जो लो था बेटा उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट 60 महीने तक रिवर्स होता था बेटा, गलत था, अब सही कर दिया बच्चों, क्लियर। तो सर वापस रिपीट करता हूँ, पहले कोई मशीन केवल इसमें काम आ रही थी, आपने सारा क्रेडिट ऑलरेडी ले लिया बेटा, फिर 3 साल बाद वो कॉमन काम आ रही है, तो क्या करेंगे, जो एंटायर क्रेडिट था अवेल तो ऑलरेडी कर चुके हो बेटा, अवेल किया हुआ, बस उसको कॉमन क्रेडिट में ऐड कर दो टोटल अमाउंट को, फिर उसको डिवाइड बाय 60 करो और ई अपन एफ करना चालू कर दो। पर ई अपन एफ करेंगे कब तक, जब तक उसकी यूजफुल लाइफ बचेगी, और यूजफुल लाइफ कितनी होती बेटा, यूजफुल लाइफ इज 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज इन्वेस्ट ऑफ सच कैपिटल गुड्स बेटा। माहौल डन, ये था आपका रूल नंबर 43। अब 2.0 बेटा, कोई मशीन अपने परचेज किया किसके लिए, कॉमन, आपने सारा क्रेडिट ले लिया होगा बेटा, फिर उसको डिवाइड बाय 60 किया होगा, ई अपन एफ करना चालू कर दिया होगा, फिर कुछ साल बाद वो मशीन केवल इसमें काम आ रही है, तो ई अपन एफ करना बंद कर दे और क्या है, क्योंकि वो केवल टैक्स में काम आ रही है, तो अब रिवर्सल की जरूरत नहीं बेटा, अवेल तो वैसे भी कर चुके हो आप। लास्ट पॉइंट, अगर आपने कोई कैपिटल गुड्स परचेस किया कॉमन, सारा क्रेडिट आपने अवेल किया, डिवाइड बाय 60 किया, ई अपन एफ चालू कर दिया, फिर आपने की वो मशीन केवल एग्जाम में काम आ रही है, क्या करेंगे 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ क्वार्टर लेस करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट जो आएगा पूरा एक साथ रिवर्स कर देंगे, लाइब्रेरी में ऐड कर देंगे, भारत माता की जय हो जाएगी, फिर ई अपन एफ होना ऑब्वियसली बंद हो जाएगा सर, क्लियर डन। ये आपका रूल नंबर 43 पूरा सारे एंगल से खत्म होता है, अब विद अमेंडमेंट्स। माहौल सर एक रूल और है, रूल नंबर 38, बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग NBFC को एक ऑप्शन दिया कि आपके कॉमन इनपुट से कैपिटल गुड्स काम आते हैं साहब बिजनेस के लिए, अब आप लोग या तो ये रूल नंबर 42-43 पढ़ा है ये फॉलो करो, या फिर आपके लिए स्पेशल प्रोविजन दिया रूल नंबर 38 ने, और वो बोलता है क्या, आप चाहे तो एक बार सारा क्रेडिट अवेल कर ले, अवेल करके क्या कर लेंगे साहब, पूरा अवेल कर लो, फिर उसमें से 50% रिवर्स कर दो हर महीने, इनपुट हो इनपुट सर्विस हो कैपिटल गुड्स हो, एक बार सारा क्रेडिट अवेल कर लो, और जिस महीने में अवेल किया उसी महीने में 50% आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दो, रिवर्स कर दो, बात खत्म बेटा। पर अगर आपने उसमें दो एक्सेप्शन बेटा, अगर आपने कोई परचेज किया जो 17.5 में कवर है बेटा, ब्लॉक रेट में कवर है, तो ऑब्वियस बात है उसका तो क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। सेकंड, आपने कुछ गुड्स या सर्विस परचेज किया जो एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस का हमारा है, तो उसका बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, वो भी हटा देना साहब, क्लियर। तो सर कैसे कैलकुलेशन होगा बेटा, एक और थर्ड पॉइंट और है वो भी बोल देता हूँ, अगर आपके डिस्टिंक्ट पर्सन से जिसका सेम पेन नंबर है उससे ही कुछ सर्विसेज रिसीव हुई है आपको इनवर्स सप्लाई, तो उसका पूरा 100% क्रेडिट देंगे, उसमें 50% रिवर्स नहीं करवाएंगे। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे बेटा, इस महीने में टोटल क्रेडिट जो था इनपुट से कैपिटल सारा एक बार अवेल कर लो, सारा एक बार कैलकुलेशन ले लो बेटा, उसमें से माइनस कर दो क्या एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस के काम आया, हटा दो एक्सक्लूसिवली, सॉरी 17 सबसेक्शन 5 में कवर है ब्लॉक क्रेडिट में, हटा दो साहब। अगर डिस्टिंक्ट पर्सन से भी लाया हुआ वो पूरा अवेल कर लो बेटा, हटा दो इसको भी, रिमेनिंग अमाउंट जो बचा है वो पूरा एक बार अवेल कर लो और 50% रिवर्स कर दो। तो सर ये 50% जो आपने लिया एक तरह से क्रेडिट, वो प्लस डिस्टिंक्ट पर्सन से जो सर्विस आई थी उसका 100% क्रेडिट जो था, ये टोटल क्रेडिट आपका अवेल हो जाएगा। और अगर आपने ये वाला ऑप्शन अगर लिया है तो मिड ऑफ द फाइनेंशियल में आप इसको चेंज नहीं कर सकते। इसी के साथ रूल नंबर 38 भी खत्म होता है, अब भारत माता की जय, ये पूरा सेक्शन नंबर 17 खत्म होता है। अब 17.5 तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ ब्लॉक क्रेडिट, सेक्शन नंबर 18 हमने पहले कवर कर लिया, आइए बात करते आगे हम सेक्शन 19, 20, 21। पर उससे पहले एक बात और है, यूटिलाइजेशन ऑफ ITC बेटा, जो अपनी बुक के अंदर टॉपिक दे रखा है उस अकॉर्डिंग बात करूं मैं, ITC यूटिलाइज करना है। सबसे पहली बात IGST, CGST, SGST, अच्छा जहाँ पे मैं SGST बोलूंगा वहाँ पे SGST हो या UTGST हो बात आएगी बेटा। ओके मैं SGST बोलूंगा, बार बार UTGST बोलूंगा, कन्फ्यूज नहीं करूंगा आपको। ओके सर IGST का ITC I में भी काम आएगा, C में भी काम आएगा और S में भी काम आता है बेटा, और सी का क्रेडिट सी में भी काम आएगा और आई में काम आएगा पर एस में काम नहीं आएगा, एस का क्रेडिट एस में काम आएगा और आई में काम आएगा पर सी में काम नहीं आएगा बेटा, क्लियर। अच्छा आई सी और एस का मतलब समझ रहे हो ना बेटा, IGST CGST और SGST। ओके सर पर जब ITC यूटिलाइज करना है आपको, तो सबसे पहले IGST का ITC यूटिलाइज करेंगे हम, IGST का ITC पहले पूरा कंज्यूम हो जाएगा, उसके बाद ही CGST और SGST के ITC को यूज़ करने की बात आएगी। अब सर IGST का ITC यूज़ करना है तो किस सीक्वेंस में यूज़ करना है, सबसे पहले IGST की लायबिलिटी को पे करने के लिए यूज़ करना है, उसके बाद CGST हो या SGST हो कोई भी लायबिलिटी आप पे कर सकते हो इन एनी प्रोपोर्शन इन एनी ऑर्डर बेटा, क्लियर। देन CGST का ITC अगर है तो IGST ITC पूरा कंज्यूम हो गया, फिर CGST ITC काम आएगा पहले CGST की लायबिलिटी को पे करने के लिए, फिर IGST लायबिलिटी पे करने के लिए बेटा, फिर SGST का ITC है तो SGST का ITC SGST की लायबिलिटी को पे करने में काम आएगा, फिर I की लायबिलिटी को पे करने में काम आएगा बेटा, और पर सी में कभी काम नहीं आएगा, सेम इज द केस विद UTGST बेटा, भारत माता की जय। ये यूटिलाइजेशन ऑफ द क्रेडिट था बेटा। ओके माहौल सरकार अगला पढ़ा था सेक्शन नंबर 19 जॉब वर्क, सेक्शन नंबर 19 143 क्या आई लव यू, हाँ आई लव यू सर,
सेक्शन नंबर 143 जॉब वर्क वाला एंड रूल नंबर 45 सर क्या कहता है बच्चों ध्यान से सुनना, ये तीनों को मर्ज करके मैं पढ़ाता हूँ आपको। जॉब वर्क वाला केस, अगर आपने कोई भी इनपुट सेमी फिनिश गुड्स या कैपिटल गुड्स जॉब वर्कर के यहाँ भेजा है तो यू कैन सेंड इट विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी या विदाउट पेमेंट विदाउट रिवर्सल ऑफ आईटीसी अंडर द कवर ऑफ अ डिलीवरी चालान। पर कंडीशन क्या है, जिस दिन आपने भेजा था उसके एक साल में वो इनपुट या सेमी फिनिश गुड्स आपको रिसीव हो जाना चाहिए जिसने भेजा था वहां से बेटा, क्लियर। और कैपिटल गुड्स केस में 3 साल के अंदर आपको वो रिसीव हो जाना चाहिए। और हाँ सुनना बच्चों ध्यान से, आप चाहे तो आपने अगर कोई इनपुट ओके आवाज आ रही प्रॉपर, ओके आपने अगर कोई इनपुट या कैपिटल गुड्स कस्टमर से खरीदा और डायरेक्टली जॉब वर्कर के भिजवा दिया तो ऐसा भी कर सकते हो। जब जॉब वर्कर रिसीव होगा हम मान लेंगे हमको रिसीव हो गया और हमको आईटीसी मिल जाएगा, पर जब उसको रिसीव हुआ वहां से एक साल के अंदर इनपुट हमको रिसीव हो जाना चाहिए सेमी फिनिश गुड्स प्रोसेस होने के बाद, या फिर कैपिटल गुड्स है तो 3 साल में उसको जब रिसीव हुआ वहां से 3 साल के अंदर हमको रिसीव हो जाना चाहिए। प्लस ये बोला बच्चों, अगर एक जॉब वर्कर से दूसरे जॉब वर्कर के या दूसरे से तीसरे के भेजना अगर, तो ऐसे केस में वो जॉब वर्कर भेज सकते हैं पर सब मिला के 1 साल या 3 साल की कंडीशन देखी जाएगी बेटा, क्लियर। और हाँ डिलीवरी चालान के थ्रू वो भेज सकते हैं, या तो मेरा जो डिलीवरी चालान था उसी को वो एंडोर्स कर दे और आगे भेज दे, या फिर अपना नया डिलीवरी चालान इशू करके आगे गुड्स ट्रांसफर कर सकते हैं वो लोग, और आगे वाला चाहे तो उसका डिलीवरी चालान को एंडोर्स करके आगे भेज दे या खुद का नया डिलीवरी चालान इशू करे, कोई दिक्कत नहीं बेटा, क्लियर। पर हाँ अगर ये 1 साल या 3 साल की जो टाइम मैंने आपको दे रखी है, मैंने नहीं दिए, एक्ट ने दी बेटा, रूल ने दिए, अगर उस टाइम में गुड्स वापस रिसीव नहीं हुआ तो सर जब आपने उसको भेजा था तब मान लेंगे आपने सप्लाई कर दिया था, अब उसका टैक्स पूरा आपको पे करना पड़ेगा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। पर हाँ कमिश्नर को पावर दिया कि कमिश्नर चाहे तो इस टाइम लिमिट को एक्सटेंड कर सकता है, अगर आपके पास रीजनेबल रीजन है तो कमिश्नर क्या कर सकता है, टाइम लिमिट एक्सटेंड कर सकता है, इनपुट के केस में 1 साल का वक्त और दे सकता है, तो 1 ईयर प्लस 1 ईयर हो गया बेटा इनपुट के केस में, और कैपिटल गुड्स के केस में 3 ईयर प्लस 2 ईयर का टाइम और दे सकता है बेटा, वो 3 साल का टाइम ऑलरेडी था, अप टू 2 ईयर तक का एक्सटेंशन और दे सकता है अगर गुड्स नहीं आया रीजनेबल रीजन था तो। ओके सर अब बता दी क्या, सर आपको सप्लायर जो मैंने जॉब वर्क किया प्रिंसिपल जो था बेटा जिसने गुड्स जॉब वर्क करके भेजी थी बेटा उसको क्वार्टरली एक स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा, जीएसटी ITC 04 नंबर का फॉर्म होगा बेटा, क्वार्टर खत्म होने के बाद 25th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक उसको स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा। ओके सर कमीशन चाहे तो इस ड्यू डेट को एक्सटेंड भी कर सकता है। ओके अगली बात बच्चों, अगर आपने मोल्ड्स डाइज जिग्स फिक्स्चर्स भेजे हैं, सर मोल्ड्स डाइज जिग्स फिक्स्चर्स या टूल्स भेजे कहाँ जॉब वर्कर के यहाँ, तो सिंस ये कंज्यूमर नेचर के होते हैं तो वहां बोल दिया कि आप भेज दो, वो नहीं भी आएगा चल जाएगा सर, कोई रिवर्सल करने की जरूरत नहीं है, वहां पर रिसीव बैक होने का कोई कंडीशन नहीं है। प्लस जॉब वर्कर ने जब काम किया प्रोसेस किया तब कुछ वेस्ट और स्क्रैप भी जनरेट हुआ, तो वेस्ट और स्क्रैप जब जनरेट हुआ उसका क्या करेगा बेटा, तो सर वेस्ट और स्क्रैप चाहो तो आप वही से कस्टमर को बेच देना, और अगर जॉब वर्कर जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा तो उस वेस्ट और स्क्रैप पे वो जीएसटी पे कर देगा, नहीं तो प्रिंसिपल इज लायबल टू पे जीएसटी ऑन सच गुड्स बेटा, सच वेस्ट और स्क्रैप, कोई दिक्कत नहीं बेटा। और अगर जॉब वर्कर ने गुड्स प्रोसेस किया और सर वो प्रोसेस गुड्स वो फिनिश गुड्स आपको डायरेक्टली जॉब वर्कर के ऐसे कस्टमर को बेचना है तो यस आप ऐसा भी कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर और किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं, पर उसमें कंडीशन ये है सेक्शन 143 में लिखा हुआ है कि आपको वो प्लेस जॉब वर्कर का प्लेस आपको प्रिंसिपल को डिक्लेयर करना पड़ेगा इन हिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एज इज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। पर हाँ इसके भी 3 एक्सेप्शन है, फर्स्ट अगर जॉब वर्कर खुद जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको वो एडिशनल प्लेस दिखाने की जरूरत नहीं है। सेकंड गवर्नमेंट चाहे तो कुछ गुड्स को नोटिफाई कर सकता है कि इसमें जॉब वर्कर को एडिशनल प्लेस दिखाने की जरूरत नहीं है भले ही आप वहां से डायरेक्ट कस्टमर को बेच रहे हो फिर भी। और थर्ड वेस्ट स्क्रिप्ट अगर जॉब वर्कर डायरेक्ट कस्टमर को बेच दिया तो चलेगा साहब, ऐसे केस में कोई प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्लियर। ये पूरा जॉब वर्कर के सारे प्रोविजन खत्म होते हैं। अब कई सारे बच्चे बोलते हैं सर जॉब वर्कर के प्रोविजन इधर उधर सब फैले हुए, ये लो साहब खत्म सारे। सर ये था सेक्शन नंबर 19 143 एंड रोल नंबर 45 माहौल सरकार। आइए लास्ट पॉइंट ऑफ द आईटीसी चैप्टर नंबर 5 आईएसटी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर सेक्शन नंबर 20 21 एंड रोल नंबर 39। सुनना बच्चों ध्यान से, सर ये बोला इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है बेटा, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इज एन ऑफिस ऑफ द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ, जहां पे इनवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज के इन्वर्सर्स को रिसीव होता है और उसका वो आईटीसी लेता है और उन इनपुट सर्विसेज का वो पेमेंट करता है बेटा, हाँ है ना। अब इनपुट सर्विसेज एक तरह से मेरा नरीमन पॉइंट वाला ऑफिस आता है बेटा, अरे माहौल जिसको मैंने बाद में अंधेरी में शिफ्ट किया था, हाँ है ना रे, क्लियर। तो सर आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, इनपुट सर्विसेज का आपने क्रेडिट लिया है इन्वर्सेस बेस पे, मैंने अपने हेड ऑफिस को या कोई भी ऑफिस को मैंने एज ए आईएसडी डिक्लेयर कर दिया, अब वहाँ पे इनपुट सर्विस के भी लाएंगे उसका मैं आईटीसी लूंगा, अब वो सर्विस जिस यूनिट के लिए काम आई थी बेटा
उस यूनिट को पास ऑन करना बेटा। नॉर्मली आपको पता है एक रजिस्ट्रेशन नंबर से दूसरे रजिस्ट्रेशन नंबर पे कभी भी आईटीसी पास ऑन नहीं होता है, पर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया, ध्यान रखना अगर आपको आईएसडी की तरह डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो पहले आईएसडी का एक सेपरेट नंबर होता है, सेपरेट रजिस्टर नंबर होता है, वो लेना पड़ेगा, भले वो आपका प्रीमाइसेस सेपरेटली रजिस्टर्ड है या नहीं है। आपने आईएसडी नंबर ले लिया बेटा, अब इनपुट सर्विस का जो बिल आएगा आपके सप्लायर से बिल इशू करेगा, सप्लायर से अपना जीएसटी आर 1 फाइल करेगा, उसको अपना आईएसटी वाला नंबर देंगे और वो जो उसने जीएसटी आर 1 सबमिट किया हमारे जीएसटी आर 6 ए में आएगा। फिर हम वो आईटीसी लेंगे, हमारा जीएसटी आर 6 सबमिट करेंगे और 6 के थ्रू सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्रेडिट। अब सबको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मान लो मेरी चार फैक्ट्री बेटा 1, 2, 3, 4 और नरीमन पॉइंट ऑफिस, तो सर मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा बेटा? सर अगर कोई सर्विस एक्सक्लूसिवली फैक्ट्री वन में काम आई तो क्रेडिट सारा फैक्ट्री वन में जाएगा, एक्सक्लूसिवली टू में काम आई तो टू में ही क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, किसी और को नहीं जाएगा, थ्री में काम आई तो थ्री को ही जाएगा क्रेडिट और फोर वाला आपके लिए होमवर्क है सर। पर मान लो अगर कोई सर्विस चारों यूनिट में काम आई तो प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूट होगा चारों में, या कोई सर्विस दो यूनिट में काम आई फैक्ट्री नंबर वन और टू में काम आई तो वन और टू में जाएगा बेटा, फैक्ट्री नंबर वन टू और फोर में काम आई तो वन टू और फोर में डिस्ट्रीब्यूट होगा क्रेडिट बेटा। अब सर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कैसे होगा, कितना होगा? सरकार सबसे पहली बात आईएसटी जब डिस्ट्रीब्यूशन करेगा तो अपना जीएसटीआर 6 सबमिट करेगा, उसके थ्रू क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट होगी, रेस्पेक्टिव यूनिट को जीएसटीआर 2 ए में क्रेडिट जाएगी बेटा। सेकंड वो अपना आईएसटी का अपना इनवॉइस भी रेस करेगा। अब कितना क्रेडिट किसको पास ऑन करेगा, अगर कोई सर्विस कॉमनली कमाई, अगर एक्सक्लूसिवली एक यूनिट में कमाई सारा क्रेडिट उसको जाएगा बेटा, कॉमन कमाई मोर देन वन यूनिट में तो जिन जिन यूनिट में वो सर्विस कमाई उन यूनिट को प्रोपोर्शन ट्रांसफर होगा, पर प्रोपोर्शन किस रेशियो में करेगा तो सर प्रीवियस फाइनेंशियल का एनुअल टर्नओवर, टर्नओवर इन द स्टेट, प्रीवियस फाइनेंशियल का टर्नओवर इन द स्टेट जो था, चार यूनिट मेरी है तो चार यूनिट का प्रोपोर्शन करेंगे बेटा। तो जो भी यूनिट्स करंट ईयर में ऑपरेशनल है जिनको मुझे क्रेडिट ट्रांसफर करना है उनका मैं लास्ट ईयर का प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर इन द स्टेट लूंगा और उस रेशियो में सबको क्रेडिट पास ऑन करूंगा। पर अगर मान लो किसी यूनिट का प्रीवियस फाइनेंशियल का एनुअल टर्नओवर, टर्नओवर इन द स्टेट अवेलेबल नहीं है तो वो लास्ट क्वार्टर जब चारों का टर्नओवर अवेलेबल हो जाएगा उस रेशियो में सबको मैं पास ऑन करूंगा। अच्छा अब सर्विस क्रेडिट वन और टू में काम है तो वन और टू का जो रेशियो होगा टर्नओवर का उसी रेशियो में दोनों को पास हो जाएगा, वन टू थ्री फोर चारों का था तो चारों को पास हो जाएगा, वन टू थ्री को था तो वन टू थ्री को पास होगा बेटा उन तीनों के रेशियो में बेटा, डन। अब एक बात और रहेगी बेटा, अब ध्यान रखना बेटा भले ही क्रेडिट एलिजिबल क्रेडिट हो या इन एलिजिबल क्रेडिट हो, भले वो ब्लॉक क्रेडिट हो या कुछ भी हो, ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर तो जो क्रेडिट आएगा वो पास ऑन कर देगा, आपके टू वे में जाएगी। अब आपको क्रेडिट लेना तो ले और आपको नहीं मिलता तो मत ले, और क्या है, हम तो हमारे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे भले एलिजिबल क्रेड हो या इन एलिजिबल क्रेड हो। ध्यान ना फैक्ट्री नंबर थ्री जो थी वो एक्सक्लूसिवली एग्जम सप्लाई ही करती है तो उसको आईटीसी नहीं मिलता है, फिर भी आईएसटी उतना दिमाग नहीं लगेगा, आईएसटी क्या करेगा सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा और फैक्ट्री नंबर थ्री को जब जीएसटी टू में जाएगी क्रेड तो वो अवेल नहीं करेगा बेटा। अच्छा फैक्ट्री नंबर टू एग्जम टू टैक्सेबल दोनों गुड्स सप्लाई करती है तो मेरा तो जो प्रोपोर्शन था क्रेड वो टू में चला जाएगा फैक्ट्री नंबर टू को, और उसके जीएसटी टू में जब क्रेड जाएगा तब वो रूल नंबर 42 फॉलो करता रहेगा बेटा। हाँ है ना, इसका काम है डिस्ट्रीब्यूशन करने का, एलिजिबल हो इन एलिजिबल हो ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अच्छा एक बात और, अब डिस्ट्रीब्यूशन जो करना है कौन सा आईटीसी, मतलब कितना किस फॉर्म में करना है, सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी? सरकार मेरे परचेज इनवॉइस पे सी लिखा हुआ है, सी और एस लिखा हुआ है या आई लिखा हुआ है, अगर मेरे को यूनिट को ट्रांसफर करना है आईटीसी और वो यूनिट अगर मेरी सेम स्टेट में है तो जो परचेज बिल पे टैक्स लिखा हुआ है वही परचेज बिल वाला टैक्स के फॉर्म में ही सेम स्टेट वाली यूनिट को क्रेडिट पास होगा। पर अगर वो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना है किसको, जो अदर देन मेरा जो आईएसडी का स्टेट है, जो आईएसडी का स्टेट है उसके अलावा किसी और स्टेट को आईएसडी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है क्रेडिट, तो ऐसे केस में हमेशा आईजीएसटी की फॉर्म में ही क्रेडिट पास होगा, भले ही परचेज बिल पे सी एस आई कुछ भी लिखा हो, हमेशा आईजीएसटी की फॉर्म में आईटीसी पास होगा अगर इंटर स्टेट क्रेडिट पास हो रही तो बेटा, और सेम स्टेट में पास हो रही तो जो परचेज बिल पे क्रेडिट लिखा है वही क्रेडिट पास होगा। क्लियर, डन। अच्छा एक और बात ध्यान रखना लास्ट में, यहाँ पे भी जो टर्नओवर काउंट करते हैं रेशियो के लिए प्रोपोर्शन के लिए बेटा, उसमें वेट सीएसटी सेंट्रल एक्साइज और स्टेट एक्साइज के अमाउंट को हम टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करेंगे जैसे रूल नंबर 42 और 43 में वो करता था बेटा। देन एक बात और, अगर मान लो कभी आपने मुझे सर्विस दी थी, आपने मुझे टैक्स इनवॉइस दिया था, बाद में किसी कारण से आपने मुझे डेबिट नोट दिया तो डेबिट नोट की वजह से मेरे को एक्स्ट्रा क्रेडिट मिलेगा, मैं ऑलरेडी टैक्स इनवॉइस का क्रेडिट पास ऑन कर चुका हूँ तो डेबिट नोट के बेस में जो एक्स्ट्रा क्रेडिट आया है उसको भी सारी यूनिट में पास ऑन करूंगा, पर हाँ ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस का क्रेडिट जिसको दिया था उन्हीं को डेबिट नोट का क्रेडिट जाएगा और उसी रेशियो में जाएगा जिस रेशियो में मैंने ओरिजिनल इनवॉइस का क्रेडिट पास ऑन किया था उसी रेशियो में डेबिट नोट का क्रेडिट पास ऑन हो जाएगा और आईएसडी डेबिट नोट इशू करेगा, आईएसडी डेबिट नोट। सेम वे क्रेडिट नोट बेटा, अगर कभी मान लो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है, किसी भी कारण से क्रेडिट नोट दिया तो क्रेडिट नोट देगा तो लायबिलिटी कम, आईटीसी कम हो जाएगा सर। अब आईटीसी कम होगा तो आईएसडी क्या करेगा, टैक्स इनवॉइस का क्रेडिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है तो आईएसडी अपना आईएसडी क्रेडिट नोट इशू करेगा उन सारी यूनिट को जिसको उस ओरिजिनल इनवॉइस का क्रेडिट पास ऑन किया था, उसी रेशियो में क्रेडिट को नेगेटिव क्रेडिट पास ऑन कर देगा।
क्लियर? या उस महीने में अगर कोई और क्रेडिट पासिंग करना तो उसको अमाउंट को कम कर देगा और रिमेनिंग अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देगा बेटा, पर प्रोपोर्शन वही होगा जो ओरिजिनल इन्वॉइस का था बच्चों। क्लियर? डन। भारत माता की जय। ये पूरा सेक्शन नंबर 20 खत्म होता है। अब प्लस रूल नंबर सेक्शन नंबर 21 ने बोला कि अगर कभी आपने रॉन्ग यूनिट को आईटी से पासिंग कर दिया, जैसे मेरे को फैक्ट्री नंबर 2 को ज्यादा आईटी से देना था, मेरे को फैक्ट्री नंबर 2 को आईटी से देना था जबकि मैंने फैक्ट्री नंबर 4 को ज्यादा आईटी से दे दिया जानबूझ के, तो ऐसे केस में आपको वो आईटी से रिवर्स करना पड़ेगा, उस यूनिट को फैक्ट्री नंबर 4 को आईटी से रिवर्स करना पड़ेगा। अच्छा, मैंने एग्जांपल फैक्ट्री के लिया है, इट मे बी माय ऑफिसेज आल्सो बेटा, आई मे बी अ सप्लायर ऑफ गुड्स और सप्लायर ऑफ सर्विसेज, चलेगा बेटा? ओके, तो सर ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया है तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा और सही डिस्ट्रीब्यूट करो। और अगर आपने उसको करेक्शन नहीं किया आपके एंड पे, तो सेक्शन नंबर 73 या 74 का पावर यूज करके डिपार्टमेंट आपसे रिकवरी करेगा बेटा। और अगर डिपार्टमेंट रिकवरी करने आया, आपने खुद से नहीं किया, तो डिपार्टमेंट पेनल्टी भी चार्ज कर सकता है यूजिंग सेक्शन नंबर 73 और 74 बेटा। हाँ है ना? क्लियर? सेक्शन 129 की पेनल्टी चार्ज करेगा बेटा आपसे। क्लियर? डिपेंडिंग ऑन केस टू केस। इसी के साथ भारत माता की जय। सर सेक्शन नंबर 20, 21 और रोल नंबर 39 पूरा खत्म होता है। अब बच्चों, अब मैं आपसे एक बात और शेयर करूंगा, जिनके भी नवंबर 20 एग्जाम्स है, आई रिपीट नवंबर 20 एग्जाम्स है, उनके लिए 3 पॉइंट और ऐड हुए बेटा, वो भी मैं लास्ट में बोल रहा हूँ, सो दैट मई 20 जुलाई 2020 वाले बच्चों को डिस्टर्ब नहीं हुए बेटा। ओके सर, दो सर्कुलर और एक रूल है बेटा। एक रूल क्या ऐड हुआ, रूल नंबर 86A ऐड हुआ बेटा, वो ये बोलता है कि अगर किसी भी असेसी ने गलत क्रेडिट लिया बेटा, फ्रॉडलेंटली क्रेडिट लिया है, तो उसको रजिस्ट्रेशन लगाने के लिए कमिश्नर को पावर दे दिया कि एनी कमिश्नर और एनी अदर ऑथराइज ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर के पास पावर है कि अगर उसके पास रीजन टू बिलीव है कि किसी असेसी ने फ्रॉडलेंटली आईटीसी लिया है, तो वो ऑफिसर चाहे तो उस असेसी को रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है, उस असेसी पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि यू कैन नॉट यूटिलाइज दिस क्रेडिट अप टू पीरियड ऑफ 1 ईयर बेटा, एक साल तक छानबीन कर लेगा बेटा, पूरा ढूंढ लेगा मामला गड़बड़ था कि नहीं था बेटा। क्लियर? पर एक साल में अगर केस पूरा नहीं हुआ तो फिर एक साल के बाद वो रजिस्ट्रेशन हट जाएगी बेटा अपना। ओके, अब सर फ्रॉडलेंटली क्रेडिट क्यों लिया, कारण क्या रहेगा बेटा उसका? या तो सप्लायर जिसने बिल दिया था बेटा, उसने केवल टैक्स इनवॉइस दिया, गुड्स और सर्विस दिया ही नहीं बेटा, मतलब बोगस बिल दिया। सेकंड, वो सप्लायर वॉज फाउंड टू बी नॉन एग्जिस्टेंट, या जिस प्लेस को उसने डिक्लेयर किया एज अ प्लेस ऑफ बिजनेस उसके अलावा किसी और प्लेस ऑफ बिजनेस कर रहा है, या फिर रेसिपिएंट वॉज फाउंड टू बी नॉन एग्जिस्टेंट, या वो उस प्लेस से बिजनेस कर रहा है जो उसने डिक्लेयर किया उसके अलावा किसी और प्लेस बिजनेस कर रहा है, या फिर सर टैक्स इनवॉइस या प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट जिसके बेस पे आईटी से लेना वो आया ही नहीं उसको, केवल बिल केवल उसने क्रेडिट पंच करके क्रेडिट ले लिया बेटा। हाँ है ना सर? या कोई भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी इस तरह की पाई गई, तो ऐसे केस में उस ऑफिसर के पास पावर है कि वो रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है उस असेसी पर कि यू कैन नॉट मेक अ डेबिट टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अप टू दिस अमाउंट, ये अमाउंट जो आपने फ्रॉडलेंट लिया है इसका हम क्रेडिट यूज करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे आपको। हाँ, जिस दिन वो अप्रूव कर देगा कि सब ये सब मिस्टेक ये जो थी, देखो अब कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, जैसे गुड्स सर्विस रिसीव नहीं हुआ, अब आ गया सब देख लो, तो ऐसे केस में ये रेस्ट्रिक्शन हट जाएगी बेटा। क्लियर? और ये रेस्ट्रिक्शन एक साल तक इम्पोज हो सकती है बेटा। क्लियर? डन। ये रूल एड हुआ है बेटा। एक और पॉइंट, दो सर्कुलर एड हुए बेटा। फर्स्ट देना, ये नवंबर 20 या उसके आगे वाले अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल, जुलाई 20 के लिए एप्लीकेबल नहीं। वैसे सर्कुलर क्लेरिफिकेशन सर, कोई खास बात नहीं है। सुना बच्चों ध्यान से, 110% ऑफ द एलिजिबल आईटीसी आप ले सकते बेटा। याद आया बेटा कि अगर आपके GSTR 1 सप्लायर ने GSTR 1 सबमिट किया, आपके 2A में आया, पर 2A में अगर कोई बिल नहीं आ रहा है तो आप फिर भी क्रेडिट ले सकते हो, बट दैट क्रेडिट कैन नॉट एक्सीड 110% ऑफ द एलिजिबल आईटीसी, मतलब एक्स्ट्रा 10% तक का क्रेडिट आप ले सकते हो। तो उसके रिगार्डिंग कुछ डाउट्स थे इंडस्ट्री के, उसको क्लेरिफाई किया। सबसे पहली बात, यहां पे जो रेस्ट्रिक्शन लगाई है क्या सारे डॉक्यूमेंट्स पे लगाई है? नहीं, ये 10% तक ही आप प्रोविजनल क्रेडिट ले पाएंगे। अगर कोई बिल आपके 2A में नहीं आ रहा है तो 10% तक का ही क्रेडिट ले पाएंगे एक्स्ट्रा। ये रेस्ट्रिक्शन उन्हीं इनवॉइसेस के लिए, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के लिए विच आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय, विच आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड इन GSTR 1 बाय द सप्लायर। मतलब जिन इन्वॉइसेस को या डेबिट नोट को GSTR 1 में पंच करना पड़ता है जो आपके 2A में आता है, उन्हें के लिए 10% वाला प्रोविजन बेटा। मतलब अगर आपने ऐसा कोई इन्वर्स सप्लाई लिया जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट खुद आए, बोले खुद ने टैक्स पे किया, खुद ने क्रेडिट लिया, कोई दिक्कत नहीं सब। सेकंड, आपने इंपोर्ट ऑफ गुड्स किया उस पर IGST पे किया बेटा आपने, या ISD इंपोर्ट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो उसको GSTR 6 फाइल करना पड़ता है, वहाँ GSTR 1 एप्लीकेबल नहीं है, तो इनके इन्वॉइसेस के रेस्पेक्ट में आप क्रेडिट लीजिए, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। जिनके लिए GSTR 1 सबमिट करना जरूरी होता है बेटा जब आपके 2A में आता है, उनका अगर 2A में क्रेडिट नहीं आ रहा है तो जो एलिजिबल आईटीसी था आपका टोटल बेटा, उसका मैक्सिमम 10% एक्स्ट्रा और क्रेडिट आप ले सकते हो बेटा। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट तो ये। सेकंड, सर क्या ये आपको सप्लायर वाइज 110% देखना है या कंसोलिडेट बेस पे देखना है? कंसोलिडेट बेस बेटा, मतलब आप जो टैक्स पीरियड के लिए टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो बेटा, क्लियर, उस रिलेवेंट पीरियड में
सारे सप्लायर के मिला के जितना भी एलिजिबल क्रेडिट था उसका 10% और मैक्सिमम आप क्रेडिट एक्स्ट्रा ले सकते हो बेटा, अगर वो बिल आपके जीएसटीआर 2A में नहीं आ रहे तो बेटा। ओके, सप्लायर वाइज नहीं है, कंसोलिडेटेड वाइज बेटा। ओके, थर्ड पॉइंट, कितना क्रेडिट ले पाएंगे मैक्सिमम 110% दी एलिजिबल आई टी सी बेटा। अच्छा, एलिजिबल होना चाहिए आई टी सी बेटा, एलिजिबल आई टी सी का 110%, जो ब्लॉक क्रेडिट में कवर है एलिजिबल नहीं है वो तो अवेल करते ही बेटा, तो उसको 10% की कैलकुलेशन काउंट नहीं करेंगे बेटा। तो 100% किसका, एलिजिबल का, फिर उसमें 10% का बेटा, एलिजिबल आई टी सी का 110% बेटा। ओके सर, जैसे अब उसमें सर्कुलर ने एग्जाम्पल दे रखे, जैसे 10 लाख का आपके आपके 10 लाख का इनवर्स सप्लाई का परचेस था बेटा, 10 लाख का टैक्स था बेटा उसमें सर। अब आपके जो बिल आए वो मान लो सारे बिल नहीं आए, परचेस बिल जीएसटी 2 में 6 लाख वाले बिल आए तो कितना ले पाएंगे, 6 लाख 6,500 का ले लेंगे बेटा। 7 लाख किया तो 7,70,000 ले लेंगे। अच्छा, आपने परचेज पे टैक्स पे किया था 10 लाख रुपी। यस बच्चों, बैटरी खत्म हो गया था कैमरा के एक्चुअली। ओके सुना मेरी बात ध्यान से, अगर आपने जैसे आउट ऑफ 10 लाख 6 लाख के इनवर्स आ गया तो 6,60,000 तक का क्रेडिट आप ले सकते हैं। अब सर मान लो 7 लाख की बिल आया तो 7,70,000 की बेटा, पर अगर मान लो आपको बिल जो आ गए वो 9,50,000 की बिल आ गए बेटा, आउट ऑफ 10 लाख 9,50,000 की बिल अगर आपको आपको आ गए है तो 9,50,000 का 110% अगर करेंगे तो 95,000 और ऐड कर दो तो 10,45,000 चल जाएंगे। सारे बिल ही टोटल कितने थे 10 लाख के, तो हाउ इट कैन गो बियॉन्ड द 10 लाख, तो आप प्रोविजन बेस पे 50,000 का क्रेडिट ओ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा 10 लाख का क्रेडिट आपको अवेलेबल हो गया एक तरह से। अच्छा, अब क्वेश्चन था कि सर रिमेनिंग क्रेडिट कब ले पाएंगे, अरे भाई जब रिमेनिंग इन्वेस्ट आ जाएंगे तब, पर हाँ ध्यान रखना बेटा टोटल क्रेडिट कितना ले पाएंगे आप, जो एलिजिबल क्रेडिट है उसका 110%, तो टोटल क्रेडिट अगर 110% है तो 100% कितना हो गया बेटा, तो टोटल क्रेडिट आपको लेना कितना 10 लाख का, 10 लाख को मान लो 110, तो सर 10 लाख 110 अगर है तो 10 लाख डिवाइड बाय 110 इंटू 100 करेंगे तो जैसे फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में 9,91 अमाउंट आएगा। इतने अमाउंट के जब टोटल बिल आपके पास आ जाएंगे तब आप साहब 100% मतलब 10 लाख तक का क्रेडिट ले पाएंगे। तो ध्यान रखना जितने जितने बिल आपके पास आते ही जाए उसके 110% आप और लेते जाइए बेटा क्रेडिट, क्लियर डन। अच्छा एक और ध्यान रखना, आपको जो एलिजिबल क्रेडिट कैलकुलेट करना है ये किस दिन तक कैलकुलेट करना है, सॉरी एवरी मंथ जीएसटीआर 1 सबमिट करने का जो ड्यू डेट होता है, एवरी मंथ जीएसटीआर 1 सबमिट करने का जो ड्यू डेट होता है 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ नॉर्मली, क्लियर, उस दिन तक जो क्रेडिट आपके पास आ गया होगा उसको बोलेंगे एलिजिबल क्रेडिट बेटा। उसके बाद जो क्रेडिट आएगा उसको हम प्रोविजनल बेस पे ले सकते हैं बेटा, बाकी वो एलिजिबल में काउंट नहीं होगा बेटा, क्लियर डन। ये सर्कुलर खत्म होता है। अब एक लास्ट पॉइंट और बचा बच्चों, नवंबर 20 के लिए एक और सर्कुलर आया कि सर डी मर्जर के केस में, किसी केस में बेटा डी मर्जर के केस में, जब कोई कंपनी है ए बी लिमिटेड, अब ए लिमिटेड अलग बन गया है बी लिमिटेड अलग बन गया है, या कोई यूनिट आपकी पास ऑन हो रही है, तो ऐसे केस में क्रेडिट जो हम डी मर्ज यूनिट को देते हैं पास ऑन करते हैं जीएसटी 02 नंबर के फॉर्म के थ्रू, उसमें कुछ कन्फ्यूजन थे वो सुनना बेटा ध्यान से। सबसे पहली बात, यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ असेट्स का जो हम रेशियो लेते हैं, अब रेशियो ऑल इंडिया में जितनी ब्रांचेस सबका ऐड करके फिर लेना है या आपको डिस्टिंक्ट पर्सन वाइज लेना है, स्टेट वाइज लेना है बेटा, तो सुनना बेटा ध्यान से, ध्यान देना। जब भी डीमर्जर होता है, मान लो कोई कंपनी है उसका एक ब्रांच मध्य प्रदेश में एक ब्रांच यूपी के अंदर है, तो सर आपको ये मानना है कि यूपी वाली कंपनी अलग है एमपी वाली कंपनी अलग है। अब एमपी के अंदर भी 2 यूनिट बनी है बेटा और यूपी के अंदर भी 2 यूनिट बनी है, तो उनके रेस्पेक्टिव एमपी में कितने असेट्स पासन हुए हैं 60:40 की रेशियो में, तो 60:40 की रेशियो में एमपी का आईटीसी पासन होगा। यूपी के अंदर 30:70 की रेशियो में अगर असेट पासन हुए यूपी यूनिट का, तो यूपी यूनिट का 30:70 की रेशियो में आईटीसी पासन होगा बेटा, ध्यान रखना। कंपनी इज ऑल थ्रू आउट द इंडिया, ऐसा असेट्स का रेशियो पासन नहीं करना बेटा आपको। रेशियो क्या होगा बेटा, डिस्टिंक्ट पर्सन वाइज, क्योंकि एवरी पर्सन इज अ डिफरेंट पर्सन इन इटसेल्फ इन केस ऑफ जीएसटी, अगर अलग रजिस्ट्रेशन नंबर है तो बेटा। ओके सेकंड केस, क्या आपको जीएसटी ITC 02 पूरे इंडिया में जितनी ब्रांच सबको में फाइल करना है क्या, अरे नहीं भाई, जिन स्टेट्स में डीमर्जर हुआ है वहीं पे ट्रांसफर और ट्रांसफर दोनों नए रजिस्टर्ड होंगे बेटा, क्लियर, तो वहीं पे आपको जीएसटी ITC 02 फाइल करना है क्योंकि वहीं पे आपका आईटीसी पास ऑन हो रहा है बेटा। थर्ड केस, थर्ड बात इसके अंदर, अगर सुना बच्चों ध्यान से कि जब क्या ये प्रोविजन केवल डीमर्जर में अप्लीकेबल है, तो बोला नहीं, एवरी फॉर्म ऑफ बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन सबके केस में ये प्रोविजन अप्लाई होगा जो आपको आईटीसी पास ऑन करने का होता है। जैसे कोई पार्टनरशिप फर्म थी कंपनी बन गई, कोई पार्टनरशिप फर्म थी प्रॉपर्टीशिप फर्म बन गई, तो सारे केस में आईटीसी पास ऑन होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। ऑल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन में ये प्रोविजन अप्लाई होगा, क्लियर, सुनो मेरी बात ध्यान से। अगला पॉइंट सर, बड़ा खास बात है बेटा। अब सर आपने मान लो वैल्यू ऑफ असेट ले लिया, वैल्यू ऑफ असेट्स ले लिया, रेशियो निकाल लिया, अब रेशियो के बेस पे जब आईटीसी पास ऑन होगा, मान लो 60:40 का रेशियो है बेटा, अब 60:40 जो आपको रेशियो से आईटीसी पास ऑन करना है, तो CGST, SGST और IDST, क्या 60:40 तीनों में सेपरेट कैलकुलेट करना है या तीनों का एक साथ मर्ज करके 60:40 आप कैलकुलेट कर सकते हो? जी हाँ, सर्कुलर ने बोला आप तीनों को मर्ज कर लीजिए, सी एस और आई तीनों का अमाउंट मर्ज कर लो। जैसे 10 लाख CGST था, 10 लाख
SGST था, चलो 5 लाख CGST, 5 लाख SGST और 10 लाख IGST, टोटल के 20 लाख का, तो 20 लाख का 60-40 कर लो, 20 लाख का 40% होता है कितना, 8 लाख, 8 लाख क्रेडिट अगर पास ऑन करना है आपको, तो 8 लाख तुम्हारी मर्जी हो तो सी एस और आई जो इच्छा हो उस प्रोपोर्शन पास ऑन कर दो। हर सी और एस अलग अलग हेड को अलग अलग प्रोपोर्शन करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो पूरा 8 लाख IGST पास ऑन कर दो, आप चाहे तो 5 लाख CGST पास ऑन कर दो, 3 लाख SGST पास ऑन कर दो, या किसी भी प्रोपोर्शन कर सकते हो बेटा। आपको हेड वाइज नहीं प्रोपोर्शन करना है, टोटल वाइज प्रोपोर्शन करना है। अगली लास्ट बात, दो बातें और बची बेटा, कि सर आपको जो वैल्यू ऑफ असेट्स का रेशियो निकालना है, ये वैल्यू ऑफ असेट्स किस दिन का लेना है? तो सर कंपनीज एक्ट में ये लिखा हुआ है कि हम एक अपॉइंटेड डेट ऑफ डी मर्जर बताएंगे, तो जो अपॉइंटेड डेट ऑफ डी मर्जर होगा उस दिन जो असेट्स का वैल्यू होगा उस रेशियो में हमेशा ITC पास ऑन होगा। प्लस अब ITC पास ऑन जो होगा वो किस दिन का अनयूटिलाइज ITC को देखेंगे बेटा, तो ITC पास ऑन कैसे होता है बेटा, GST ITC 02 के थ्रू होता है। तो लास्ट बात, GST ITC 02 जिस दिन आप फाइल करेंगे, आई रिपीट, GST ITC जिस दिन आप फाइल करेंगे GST ITC 02, उस दिन जो अनयूटिलाइज बैलेंस ऑफ ITC होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। पर किस रेशियो में होगा, वैल्यू ऑफ असेट्स किस दिन के, जो अपॉइंटेड डेट ऑफ डी मर्जर था बेटा उस दिन के, अपॉइंटेड डे ऑफ डी मर्जर के दिन का वैल्यू ऑफ असेट्स का रेशियो लेना है। और ITC कितना पास ऑन होगा, वो ITC अनयूटिलाइज बैलेंस कब का लेना, जिस दिन आप ITC 02 फॉर्म फिल करते हो बेटा। ये पूरा पॉइंट खत्म होता है। अब ये नवंबर 20 के भी सारे अमेंडमेंट भी मैंने इसमें कवर कर दिए, तो आपके एग्जाम जुलाई 20 में हो या नवंबर 20 में, आपके लिए दोनों के लिए एग्जाम के लिए ये रिविजन लेक्चर रिलेवेंट हो जाएगा। भारत माता की जय, पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और माहौल लिख के मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट करिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच माहौल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर।